तेरी शान वदावा नासरी, मैं तेरी शान वदावा नासरी, तेरी शान वदावा नासरी, मैं तेरी शान वदावा नासरी। ऐसे कम करा मैं यीशु, ऐसी चाल चला मैं यीशु, तेरी शान वदावा नासरी, मैं तेरी शान वदावा नासरी, तेरी शान वदावा नासरी, मैं तेरी शान वदावा नासरी, तेरी शान वदावा नासरी, मैं तेरी शान वदावा नासरी, तेरी शान वदावा नासरी, मैं तेरी शान वदावा नासरी। Shining.
जिन दाती यीशु नाम तेरा देवा मैं।
सब जन असी और भी खुदा दी महिमा नूं गावांगे और मंगांगे कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अज दा समा खुदावन अज दी वर्शिप खुदावन मेरे छुटकारे दा कारण होवे मेरे परमेश्वर सब असी मंगांगे अपने हत्थां नूं उठा के सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे वल असी सब मुखी गईयां लम्मियां ने दर्दां दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया
रातां मुक्की गईयां लम्मियां ने दर्दां दियां रातां मुक्की गईयां
मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया। जेड़ी कदे दुखा बिच मुक चली सी, पिताए करम पले आई वाला दिन दे पले, जेड़ी कदे दुखा बिच मुक चली सी, पिताए करम पले आई वाला जिंदगी ते जेड़ी कदे दुखा बिच मुक चली सी, पिताए करम पले आई वाला दिन दे पले, जेड़ी कदे दुखा बिच मुक चली सी। दर्द वडाउण वाला कोई भी नहीं सी, एक कल्ली ही दुखा बिच मुक चली सी, दर्द वडाउण वाला कोई भी नहीं सी, एक कल्ली ही दुखा बिच मुक चली सी, दर्द वडाउण वाला कोई भी नहीं सी, एक कल्ली ही दुखा बिच मुक चली सी, दर्द वडाउण वाला कोई भी नहीं सी, ऐसे कल्ली ही दुखा बिच मुक चली 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 सी। आज मुकियां सजावा सब कर जांदियां, आज मुकियां सजावा सब कर जांदियां, आज मुकियां सजावा सब कर जांदियां, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया। मैनू चानण च ले आए बुला उसने, चानण च ले आए बुला उसने, मैनू चानण च ले आए बुला उसने, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया, मेरे सिर ते यहोवा वाला हाथ हो गया। करा शुक्राना मैनू सदा अल्फाजा वाली थोड़ी रहंदी है, केड़े अल्फाजा नाले करा शुक्राना मैनू सदा अल्फाजा वाली थोड़ी रहंदी है, केड़े अल्फाजा नाले करा शुक्राना मैनू सदा अल्फाजा वाली थोड़ी रहंदी है, केड़े अल्फाजा नाले करा शुक्राना मैनू सदा अल्फाजा वाली थोड़ी रहंदी है। समर्थी यहोवा मैनू सदा अल्फाजा वाली थोड़ी रहंदी है, अत वड्डा है समर्थी यहोवा मैनू सदा अल्फाजा।
सामर्थिया हवा मैं सदा लिफाजा वाली सुनी रहती है Thank you.
हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं अज के सुंदर दिन के लिए। असी परमेश्वर की और भी महिमा के जावे, वर्शिप के जावे पूरे मन तो, असी पूरे मन लगा के परमेश्वर की महिमा नू करांगे। वेख मसीहा ने तेरे ते कैसी दया विखाई, दुखा तो तैनो आजाद किताए, रोगा तो तैनो आजाद किताए, रोगा तो तैनो आजाद किताए, वेख मसीहा ने तेरे ते कैसी दया दिखाई, दुखा तो तैनो आजाद किता है, संगीत इच्छा
छुट जाते ने, दया दिखाई।
ऐसी दया विखाई दया दिखाई रोग तो तेनो अजाज की ताए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रेम करते हैं और किन्ना करते हैं बोलो किन्ना करते हैं उन्हें साडे नाल किन्ना प्रेम किया बोलो किन्ना प्रेम किया किया कि नहीं किया कि असी अज अपने जीवन में चेक करिए कि असी उस तरह कर रहे हैं तुसी इस वर्शिप सॉन्ग नू सुन तो बाद समझ गए हो कि परमेश्वर बोलो कि यह परमेश्वर मेरे नाल अपने वचन दे द्वारा गल करदा मेरी आवाज सॉफ्ट करो मैं कह रहा कि परमेश्वर अपने वचन दे द्वारा साडे नाल की करदा गल करदा की करदा या क्योंकि मैं किदा वचन बोलदा जां ये जिन्नी भी तुसी वर्शिप सॉन्ग सुनदे हो इस जगह ते आके बोलो वर्शिप आराधना करदे हो परमेश्वर देव जो आत्मा दे वल्लों इस पवित्र बाइबल दे अंदरों ये भजन तैयार किए जाते हैं खुदा दे मसे नाल और परमेश्वर तुहाडी उन्नति दे लई तुहानूं दिंदा है अगर तुसी उन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल नहीं समझोगे कि परमेश्वर की कह रहा तो फायदा घट मिलेगा अगर तुसी ध्यान नाल उन्हूं सुनोगे समझोगे समझ के अपने मन के अंदर लोगे तो तुम समझ आएगी बोलो समझे अगर पेट दर्द वाला अगर वह गोली नू पेट नाल बन ले तो दर्द हट जाएगी उन्हें खाना पएगा बोलो की करना पएगा तो असं जानते इन्होंने शब्दों इन्होंने वचनों असं कादे नाल खाने बोलो कादे नाल खाने कादे नाल खाने किन्नियां नू पता कादे नाल खाने साबत खड़े करो जिन्होंने पता है असं कादे ना खाने कादे ना खाने ना शब्दों असं बोलो उच्ची बोलो कादे नाल कन्ना नाल खाने इसलिए जो खाएगा नहीं वो कर नहीं पाएगा
समझने, जो खाएगा वो करेगा, समझने। इसलिए इस पवित्र बाइबल च लिखिया परमेश्वर इस जगत नाल प्रेम किया कि अपने कलौता पुत्र बख्श दिता। और शब्द आता ताके जो कोई, ताके जो कोई ना मतलब जेकर तेरी इच्छा है, मैं ते तेरे नाल प्रेम किया तू कर, स्वतंत्र इच्छा दिती, जे कर सकता ते हुण तेरी इच्छा कर। बोलो समझने, तनु कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलो तनु कोई कुछ नहीं कहेगा। पिछे जिन्हें भी ये बच्चे खड़े ने परमेश्वर की सेवा दे ली, तनु भी नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पर तोड़े जीवन तो कौन नहीं खुश होंदा, बोलो कौन नहीं खुश होंदा, उस परमेश्वर उस खुश। इसलिए तुसी अपने जीवन तो उन्हों की करना खुश करना, जिवें बहुत सारे नबिया ने प्रेरित ने अपने जीवन तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खुश किया, किदी इच्छा नु पूरी करके, समझ। क्योंकि उन्होंने अंदर खुदा दे लई कुछ करन दे लई प्यास सी, चाहत सी, और जानते सी कि सानू जीवन मिले, समझ। अज तुहानू पता आ यीशु दे लहू की अगर तुहानू कीमत का पता आ, बोलो कि अगर प्रभु दे लहू की कीमत का पता आ, तो तुम सब चीज़ों नू पिछे छड़ के दौड़े चले आओगे। बोलो कि आओगे, सब चीज़ों नू पिछे छड़ के दौड़े चले आओगे। कुछ रह जाए तो रह जाए, कुछ भी हो जाए, समझ। जिन्ने बच्चे पूरी टीम, मैं भी कल रात में इत्थे सी, असी 12:30 तक खुदा दे वचन चों गल करते रहे। उस तो बाद मैं पूरी रात परमेश्वर नाल गल करता रहा, सवेरे 5:30 बजे तक। और फिर इस जगह पर अपनी टाइमिंग पर असी पहुंच गए। समझ आ रही है, समझ आ रही सारे। चाहता हर एक इंसान है कि मेरे लिए हो, पर जो करेगा वो पाएगा। बोलो जो करेगा वो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की जिहड़ी धार्मिकता आ वो विश्वास विच आ। कादे विच आ? जिवें असीं पहलां करदे सी। आ जिहड़ी परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास विच आ, और विश्वास कर्म बिना लिखिया मोया आ, व्यर्थ आ। समझ रहे हो? विश्वास कर्म बिना की आ? एक कर्म आ। तुसीं आंदे तो जरूर हो, समझ रहे हो? पर जिस दिन तुसी इस सब चीज नूं समझ गए, मैं कहना तुहाडी कोई भी काम, तुहाडी जरूरत, चाहे तुहाडा कोई कुछ भी काम है, तुहाडे उस मन नूं बनाउण दे नाल ही, उस तरह तैयारी करन दे नाल ही, तुहाडे रस्ते विच ही सारे काम खुदा करेगा। तुसी इस जगह ते आके बैठोगे, और बैठन दे नाल ही परमेश्वर तुहानूं ब्लैस कर देगा। जिस चीज ते तुसी दर्द हो, परेशानी आ, जां कोई बोझ आ, कैसा भी आ, सुनते सुनते ही की हो जाओगे, बस इतने बैठने नाल ही, उस मन नाल, उस चाहत नाल, समझ रहे हो? उस प्यास नाल, समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु ने कहा जो धार्मिकता का भुखा है और रजाया जाएगा, जो धार्मिकता का भुखा है, भुखा इस जीवन का और रजाया जाएगा। जिहड़ा प्यासा है लिखे उहदे जीवन चो जीवन जल दियां नदियां बह उठणगियां, समझ। अज तुसीं जीवन लैण दे लई आए हो, कल तुसीं हजारां लखां लोकां नूं दसोगे कि जीवन मिलदा, पर जीवन किस तरह मिलदा? प्रभु की इच्छा नूं पूरा करके, समझ। किवें मिलेगा? उहदी इच्छा नूं पूरी करके, समझ। अगर साडा मन नॉर्मल आ, बोलो की है, साडा मन नॉर्मल है, नॉर्मल तो आशीष भी नॉर्मल है। अगर साडा मन बहुत उत्साह नाल भरिया है, प्रेम नाल भरिया है, बहुत तुहाडे अंदर प्यास है, तो परमेश्वर भी जानता है, वो उन्ना ही देवेगा। की देगा तुहानू? वो उन्ना ही देवेगा जिन्नी तुहाडे अंदर चाहत है, प्यास है। परमेश्वर उन्ना ही तुहानू आत्मा दीआं गल्लां नाल भरेगा, समझ रहे हो?
इसलिए स्वतंत्र इच्छा दिती है। क्या ता मैं तो प्रेम किया हूँ तेरी वारी है। स्वतंत्र इच्छा देती जे कर सकदा ते कर, जे कर सकदा ते कर। और जो व्यक्ति इस गल नू समझ जांदा यीशु मसीह ने क्यों कहा सी जिदे कानों नू सुने, जिदे कानों नू, क्योंकि सुनदे सब ने पर करदे। यीशु मसीह इस तरह क्यों, जदों प्रभु यीशु मसीह इस धरती दे उपर अज 2000 साल पहला प्रचार करदे सी, वह कहिंदे जिदे कान होण वह सुने, तो सुनने वाला तुरंत करदा आ। और प्रभु ने कहा वह बुद्धिमान आ, इंसान की आ बुद्धिमान आ, क्योंकि सुन के वह करदा आ। और लिखे फिर उन्हें अपना घर भी कित्थे बना रहा, चट्टान ते। फिर लिखा हनेरी चक्खड़ तारा उस घर नू लगी, पर उस घर का कुछ बिगाड़ ना सके। क्यों समझने, क्योंकि बुद्धिमान इंसान उस चीज़ नू करता है, तुरंत करता है। तद प्रभु ने कहा जिदे कानू नू सुने, और सुनने वाला करता है। लिखा जिहड़ा खाली निरा सुनदा या करदा नहीं, वह परमेश्वर नू धोखा नहीं, अपने आप नू दे रहा। तुसीं की सोचते हो कि इंसान अपने आप नू धोखा दे रहा, परमेश्वर नू नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर। बोलो की है, सूरज अपने समय से आ गया, सूरज अपने समय से आ गया, समझे। हर चीज अपने समय से हो रही है, क्योंकि परमेश्वर साडा सिस्टम का परमेश्वर है। अगर असी उस परमेश्वर के सिस्टम च नहीं आए, बोलो की है, सिस्टम च नहीं आए। अगर तुम एक गल जो परमेश्वर दास पौलुस जी ने, क्या मैं तुहानू अन्न अन्न देना चाहता सी, तुम अज भी दुध वाली चीज है ना, जिवें बच्चा छोटा दुध हमेशा, तो हमेशा एको ही गल करता रहांगा मैं तुहाडे नाल, समझदे कि अनुग्रह दीआं गल्लां भी करांगा जिहदे विच असीं बुलाए गए हैं परमेश्वर की उस किरपा च, समझदे। इस संसार उत्ते एक अनुग्रह किरपा हुई है जिहड़ी पहलां नहीं सी हुई, जिवें साडे उत्ते पहलां ये अनुग्रह ये कृपा नहीं सी, पर हुण होई है, समझ गया। पत्रस कहिंदा पहलां तुसीं परमेश्वर की प्रजा नहीं सो, पर हुण हो। पहलां तुसीं प्रजा नहीं सी, पर हुण हो, समझ गया। की हो तुसीं, अज परमेश्वर तुहाडी आवाज नूं सुणदा आ। बोलो तुहाडी टेस्टमनी तुहाडी गवाहियां क्यों बनदियां ने, क्योंकि अज तुहाडी पहुंच हुई है, अज अज तुहानू वी एक रस्ता मिलिया है जिहड़ा तुहाडे कोल पहला नहीं सी, समझदे हो। अज पहुंच हुई है तुहाडी, पहला नहीं सी, क्योंकि अज अनुग्रह दे विच तुसीं बुलाए गए, उहदी कृपा च बुलाए गए, समझदे। मैं बहुत वारी दस्सिया इदां नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम मुश्किल जिसके कारण कोई भी इंसान प्रभु दे कोल आउंदा। एक दिन मेरे जीवन च प्रॉब्लम सी, मुश्किल सी, मैं आया, पर मैनूं बाद च पता लगा हाँ ये प्रभु की इच्छा है। अगर किसी जीवन च कोई किसी दे समस्या ना होए, पीड़ा ना होए, तो समझ नहीं पाएगा प्रभु की की इच्छा है। पर जो मेरे जीवन च पीड़ा सी, पर मैं उस तो पहला परमेश्वर की इच्छा नूं समझा, परमेश्वर मेरे जीवन तो की चाहते हैं, समझते हो। किन्नियां नूं समझ आ रही है, किन्नियां नूं समझ आ रही है। अच्छा अगर तुम इस गल नूं ध्यान नाल नहीं समझोगे कि परमेश्वर की चाहता है मेरे जीवन, हाँ इस तरह नहीं है कि हाँ मैं प्रॉब्लम च सी, मेरी ऐ चीज़ सी इस करके शायद, हाँ जा मैं इसलिए आनी हाँ कि प्रभु नहीं, उस तो भी प्रभु की वड्डी इच्छा है तुहाडे जीवन तो, समझ। क्योंकि अनुग्रह दे विच असीं बुलाए गए, अज अनुग्रह कृपा हुई है संसार उत्ते। पत्रस ऋषिदास पत्रस ने कहा एक कृपा पहला तुहाडे उत्ते नहीं, पर हुण होई है, पहला नहीं सी, पहला सी किन्ना कुछ करदे सी, हुंदा सी। अज आसानी दे नाल तुसी बोलदे हो, चाहत दे नाल प्रेर करांदे हो, कुछ भी करांदे हो, और परमेश्वर की करदा है तुहाडे लई बहुत जल्दी करदा। जिवें तुसीं अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की, अपनी फैमिली दी, इस तरह ही असीं भी एक परमेश्वर की एक फैमिली एक परिवार है, और तुहाडी चिंता करता है। जिवें तुसीं सोचा सोचते हो, लिखिया परमेश्वर भी सोचता है, और जिहड़ियां वह सोचा सोचता लिखिया साडे विखे, हमेशा साडी उन्नति लाभ ते शांति दे लई सोचता,
हानी दे लई सानू परमेश्वर बहुत वधाना चाहुंदा है, बहुत उच्चा करना चाहुंदा साडे जीवन नूं, साडे बंधना साडियां कमजोरियां हर चीज़ साडे जीवन चों मकाना चाहुंदा क्योंकि ने ऐसा प्रेम किया। समझ हुण वारी साडी है कि असी उस तरह करिए। समझ क्योंकि परमेश्वर एक सिस्टम का परमेश्वर है, अगर तुसी उहदे सिस्टम च नहीं आए, समझ आ रही सारिआं नूं, तो सिस्टम च आना पएगा खुदा दे। जो तुसी सिस्टम च आ जाओगे उस अनुसार करना शुरू कर दोगे, तैनू कहण की भी जरूरत नहीं पैनी। और परमेश्वर उहदा अनुग्रह कृपा आ, प्रभु ने कहा जिहड़े नहीं जाणदे उहनां उत्ते भी दया कर आ, उत्तरमियां ते कुतरमियां ते दोनों ते सूरज कढ़दा, सूरज सब ते लियांदा। समझे जीवन का सा सब नू परमेश्वर दे रहा, हवा पानी धुप सब नू मिल रहा। उन्हें कहा जो नहीं जानते उन्नते कर रहा, जो जान जाणगे उन्हां लई किन्ना होएगा, ते सोचो तुहाडे लई किन्ना होएगा। जो नहीं जानते उन्हां लई कर रहा तो तुहाडे लई किन्ना करेगा। समझ पर जे तुही जिवें उन्हें प्रेम किया तुही करोगे ते करेगा। समझ आई? इसलिए एक चीज नूं अगर असीं बार बार सुनते रहेंगे, बार बार ही सुनते रहेंगे, परमेश्वर दास पौलुस ने इब्रानियों की पत्री च लिखिया जिवें बारिश इस धरती उत्ते आंदी है तो वह इस धरती नूं उपजाऊ बनाउंदी है, साग पत उपजाउंदी है। समझ साडे खाण पीण दे लई अगर बारिश होए ना धरती तो चाहे किन्नियां भी पौष्टिक दवाइयां रसायनिक खादा कुछ भी पाओ फसलों, अगर खुदा दी अनुग्रह बारिश ना होएगा नहीं होएगी तो यह धरती फुलवंत नहीं होएगी। इस तरह परमेश्वर ने कहा अगर बार बार धरती उत्ते बारिश पवे तो फिर भी वह झाड़ियां ते कंडे उगण उच्चा तो वह श्रापित है। समझते हो? असी एक चीज असी बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। अगर असी बार बार सुन के असी उस तरह नहीं करते तो साडा जीवन भी सेम उस पृथ्वी एक भूमि की तरह है, क्योंकि असी भी जिवें परमेश्वर का वचन बीज है। समझते हैं? और असी एक उहदी भूमि है, खेती है, लिखिया वचन च असी अदी रचना उस दी खेती है परमेश्वर की, और उहदा वचन बीज है जिहड़ा असी बोने हैं अपने जीवन च। अगर उस बीज की तुम रखवाली नहीं की, चौकसी नहीं की इस जीवन की, तो बीज इन्ना उगेगा नहीं और फलेगा नहीं, फल नहीं आएगा। समझे? हो सकता अ सवेरे परमेश्वर ने ताडे आउण तो पहला कुछ गलबात की, पता नहीं है की। समझ समझ आ रही? हो सकता परमेश्वर अज तुहानूं पता नहीं है, तुहाडे आउण तो पहला वो गल कर चुका, पता नहीं हो की गल कर चुका। समझ मैं नहीं चाहता कि एक चीज़ नूं मैं बार बार तुहाडे नाल शेयर करा, क्योंकि खुदा का अनुग्रह उहदी कृपा साडे उत्ते हुई है और उसकी कृपा दे विच वधते जाना। आमीन। असीं दी कृपा दे विच वधदे जाना क्योंकि उहदा अनुग्रह आ, परमेश्वर दा वचन दिंदा उहदा अनुग्रह व्यर्थ ना करो, व्यर्थ अपने जीवन च व्यर्थ नहीं करना। सहकर्मी आ, सांझे भाई वाले आ परमेश्वर दे, उहदे कम्मां नूं करन वाले आ। समझ रहे हो? असीं खुदा दे भले कम्मां नूं करन दे लई चुने गए, बुलाए गए। परमेश्वर तुहाडे ते कुछ करना चाहुंदा है। समझदे हो? समझ आ रही है? इसलिए असी और भी इस तरह नहीं है, परमेश्वर दे दास रोम दी पत्री अगर तुम पढ़ोगे तो इतने वो कहता ये नहीं है कि मैं थोड़े नाल वचन शेयर करना चाहना ताकि तुहानूं पता लगे कि अनुग्रह की चीज़ है। असी रोम दी पत्री
6 अध्याय पंद्रह तो पढ़ेंगे इसे। तो इस जगह पे लिखा, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वन अनुग्रह के अधीन है? कदा भी नहीं। बोले उसने क्या, कदा भी नहीं, कदी भी नहीं। तो क्या हुआ, क्या इसलिए हम पाप करें, समझे, कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वन अनुग्रह के अधीन है। इस तरह नहीं है कि कृपा आते जो मर्जी कुछ करी है, समझे। प्राणी एतनामेज यीशु मसीह दे क्रूस ते उत्ते अपनी जान देन तो पहला जेड़ा प्राणा ऐतनामा व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा दे द्वारा दित्ती सी, अगर उच देखो तो परमेश्वर ने स्थिकली अपने लोगों नू अपनी प्रजा नू जो सब तो पहला चुने गए उन्हें क्या, 6 दिन की करो अपने काम करो और 7वें दिन विश्राम दा दिन, जिवें परमेश्वर ने इस धरती आकाश नू सब चीजा नू बनाया, शुरुआत विच बनाया ना, लेकिन आदि विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती दी की कीती, समझ आ रही, रचना कीती। उस तो बाद रोज रोज परमेश्वर, अगर तुसी पढ़ोगे बाइबल नू तुहानू समझ आएगी, उत्थे पहले दिन, दूजा दिन, तीजा दिन, चौथा दिन, पंजवा दिन, समझे, 6 दिन तक परमेश्वर इस संसार की सृष्टि की, सारा कुछ बनाया। अब जो कुछ भी तुसी पृथ्वी चे तुहानू नजर आउंदा परमेश्वर ने 6 दिन विच बनाया। किन्ने दिन विच? सिर्फ 6 दिन। और 7वें दिन पवित्र बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने विश्राम किया, आराम किया, और उस दिन नू परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया। कि ठहराया? विश्राम का दिन, आराम का। और उस समय जो लोग परमेश्वर की शास्त्री, फरीसी, संदूकी, जो परमेश्वर की धार्मिकता करते सी, उच्चे दिन अपने काम करते, 7वें दिन कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, और बड़ा कानून उदा सख्त सी, समझे। अज तो अनुग्रह वह इदा नहीं है कि क्या कहता, इदा नहीं है कि मैं अगर परमेश्वर का अनुग्रह होया है मैं व्यवस्था के अधीन नहीं है। परमेश्वर ने कहा कदा भी नहीं। इदा नहीं है कि मैं पाप करता रहा क्योंकि मेरे उत्ते अनुग्रह, मेरी कृपा हुई है। और सब तो वड्डा पाप की है, तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यवस्थापक ने पूछा, सब तो वड्डी मुख ते मुख आज्ञा 10 व्यवस्था विच केड़ी है? उन्हें कहा तू जानता नहीं, तू पढ़ता तो है, अपनी पूरी बुद्ध, अपनी जान ते अपनी शक्ति नाल किन्नू प्रेम कर, और प्रेम करने वाले व्यक्ति नू दसन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करता है। बोलो, जिवें असीं अपने जीवन के सारे काम चिंता ते फिक्र नाल उठ के करते हैं, सारे काम करते हैं ना, इस तरह ही वो परमेश्वर जिदे लिए असीं, जिन्हें सानू जीवन दिता है, अपना कीमती लहू दे के, समझ हो, समझ आ रही है? तो इदा नहीं हो कहिंदा कि अगर अनुग्रह होया तो मैं पाप करा, की कहना, क्योंकि प्राणी आत्मा में तो स्टिक सी बहुत कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन कुछ भी नहीं, कुछ कोई कुछ नहीं करता सी, समझ, पर अज अनुग्रह है। पर इदा नहीं अनुग्रह है तो बोले पाप करा, मैं व्यवस्था दे हूं पाप के अधीन नहीं है, बोले कदा भी नहीं, समझ, क्योंकि अनुग्रह दे विच तो परमेश्वर ने कहा समय असमय की रहो, तैयार रहो, और होर भी उदे प्रेम विच वधदे, समझे, अपनी प्रार्थनावां च अपनी लोलीन रहो, मगन रहो रात दिन, समझ, अज अनुग्रह है, समय असमय, ये तो एक समय है, अगर आ समय है आ समय, समझे, नहीं भी है तुहानू इनवाइट किया जाए तो तद भी तुसी की हो,
दौड़े चले आओ, बचे आओ, क्योंकि किदा अनुग्रह है। क्योंकि इस जगह पर असं आके कि आत्मिक गलों सीखते हैं, कि गलों अपने जीवन च लें असं जानते हैं। अगर असं अपने अपने जीवन वाल देखिए, अपने अपने जीवन चैक करिए, असं सारे जानते हैं, समझ जानते हैं कि नहीं जानते, इस गल सब जानते हैं। अगर अपनी अपने जीवन में तुम अब चैक करो, पर अनुग्रह कृपा हुई है और इन कदे अपने जीवन च व्यर्थ नहीं कर, समझ। परमेश्वर साडे हिसाब के नाल नहीं, वो अपने हिसाब नाल करदा। इदा नहीं है कि वो साडे हिसाब नाल जिदा असी चाहते हैं उस तरह, तुहाडे हिसाब नाल नहीं। परमेश्वर ने अपने उस सिस्टम नाल, उस हिसाब नाल, क्योंकि बिना विश्वास तो क्यों लिखिया उन्हें खुश करना अनहोना है। परमेश्वर ने कुछ नियम ने, कुछ आज्ञावं ने, जिन्हों तो बगैर असी परमेश्वर अपने जीवन तो खुश नहीं कर सकते। इसलिए असी अनुग्रह के अधीन होना है, उसकी अधीनगी च, उसके प्रेम च चलना है। जो तुम चलोगे, करोगे, जो तुम खुदा की उस गल नूं अपने जीवन च पूरा करते, तुसीं अनुमान नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते कि परमेश्वर जो वचन च लिखिया तुम कन्नी सुनिया नहीं, अखी वेखिया नहीं, तुहाडे मन के चित विच चढ़िया नहीं है, ऑलरेडी परमेश्वर ने पहला तो लिखिया अपने लोगों लिए चीज़ा तैयार रखिया ने, मतलब की रखिया ने, तैयार रखिया ने। इसलिए लिखिया अपने सदे ते अपने चुने ते जानते बलि बाती समझन दा उन्हों यतन कर, यतन समझ। ये लिखिया प्रयत्न करने में आलसी ना हो और आत्मिक उन्माद विच परे रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो और उदे आत्मिक उन्माद विच, उदे प्रेम विच परे रहो। समझ आ रही है? तो आलस नहीं कती भी अपने जीवन करना। सुलेमान ने कहा आलसी इंसान दे कर दियां कड़ियां चोन लग पैंदियां, समझ। ये अनुग्रह उदी कृपा हुई है। तो कहिंदा अगर अनुग्रह तो मैं पाप करा कि मैं वस्ता दे अधीन नहीं, अनुग्रह दे अधीन है, समझ। कदा भी नहीं। इस करके अपने जीवन नू आज तो मन फिराओ, अपनी अखां बंद करो, सब घुटनिया पार जावांगे असी, सब अपने मन नू परमेश्वर दे कोल लैके जावांगे इन्हां गल्लां दे लई, क्योंकि खुदा त्याग करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिवें बुरियाई साडे जीवन की आड़ ना बने, असीं अज अपने मन नू परमेश्वर कोल लैके जावांगे और मंगांगे उहदे अनुग्रह दे उस प्रेम नू, उहदी उस कृपा नू जिस असीं बुलाए गए हैं। अच अपने मन नू फिराओ, अपने अपने मन नू फिराओ और एक फैसला लो परमेश्वर दे नाल, अच एक वड्डा फैसला लो, अच फैसला लो अपने जीवन का। सब अपने हत्थां नू उठाउंदे हो, अपने हत्थां नू उठाउंदे हो अपने मन नू खुदा दे कोल लैके जाओ। जिवें दाऊद आखदा हे मेरे परमेश्वर मैनू परख ते वेख, हे मेरे परमेश्वर मैनू परख ते वेख, मेरे च कोई भैड़ी टेढ़ी चाल तो नहीं है। अपने अपने मन नू आखो कि जिवें तेरा दास दाऊद मेरे परमेश्वर अपने मन नू तेरे कोल लैके जांदा सी कि मैनू वेख, मैनू चैक कर कि मेरे विच कोई भैड़ी टेढ़ी चाल तो नहीं है, मैं केड़ी चाल चलदा। मेरे खुदा अपने अपने मन को लेके जाओ कि असी कैसी चाल चलते हैं, बुद्ध मना वाली कि निर्बुद्धा वाली। उसके अनुग्रह नू, उसके प्रेम नू अपने जीवन च महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो उस खुदा दे उस अनुग्रह दे प्रेम नू जिन्हें तुहाडे नाल कीता। खुदा दा मसा तुहाडे उत्ते आ रहा है, उदा मसा आ रहा तुहाडे उत्ते, उदा प्रेम आ रहा तुहाडे उत्ते जो ने इस जगत नाल कीता, अपना कीमती लहू दे के सानू छुड़ाया, सानू बचाया है।
असी एक पाप की गुलामी विच जीवन बतीत कर रहे सी, असी दुखां च सी, प्रॉब्लम च सी। अज उन्हें सानू बचाया, उन्हें छड़ाया, अपना लहू दे के बचाया, अपना उन्हें जीवन गवाया। लिखिया साडे लिए उहदा शरीर शन्नी किया गया, उहदे सिर ते कंडियां दा ताज पिया, हत्थां च किल ठुके, उहदी पसली च नेजा मारिया गया साडी खातर। इह उहदा प्रेम आ, उस परमेश्वर दा प्रेम आ। लिखिया अनहोणा सी, अनहोणा सी, अनहोणा सी कि असी अंधकार दे वस विच रहिंदे। इह वड्डी दया, इस किरपा दे नाल असी अज छुड़ाए गए हां, बचाए गए। लिखिया अगर छुड़ाए गए हां तो उहदे गुणां नूं अपने जीवन चो प्रकट करो, परमेश्वर दे गुणां नूं जिन्हें तुहानूं अपने अंधकार दे वस चो छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र दे राज्य विच प्रवेश करवाया, तैनू अपने स्वर्ग राज का अधिकारी बनाया उस खुदा ने। तो इस दुनिया की संपत्ति दे नाल, संसार दीयां चीज़ां नाल भी असी उस जगह नूं अपने जीवन च पा नहीं सकते। अज खुदा का अनुग्रह, उसकी कृपा है कि असी अज उसदे स्वर्ग राज के अधिकारी हाँ। यह परमेश्वर का प्रेम है जो उसने तुहाडे नाल कीता है। अज समझो उसके प्रेम नूं कलीसिया, उसके प्रेम नूं समझो और अपने मन नूं फिराओ, क्योंकि प्रभु ने कहा मन फिराओ, तौबा करो, स्वर्ग दा राज निकट आ। और परमेश्वर दे राज विच सुख है, शांति, प्रेम है, दया है, बरकत है, सब कुछ है। क्या मन फिराओ, तौबा करो अपने जीवन दे पाप दे उन्हां कम्मां तो, उस सड़ाहट तो छुट्टो जो बुरी अभिलाषाओं तो पैदा होती है। वो सड़ाहट या संसार दी जिच असी जीने सी, अज परमेश्वर ने कहा उच्चो बार आ जाओ, उस सड़ाहट तो छुट जाओ, अज परमेश्वर दे स्वभाव दे सहभागी बनो। जिवें परमेश्वर का स्वभाव है वैसा स्वभाव तुहाडा भी होवे। जिवें लिखिया प्रभु ने दुख उठा उठा के परमेश्वर की आज्ञा मननी सीखी और रो रो के उन्हें प्रार्थना की कि परमेश्वर मौत का प्याला मे तो टल जाए पर तेरी इच्छा पूरी होए। जैसे अपने मन नूं फिराओ कि प्रभु जैसे तू ही अपने पिता की इच्छा नूं पूरा किया, अज मैं भी अपने जीवन तो तेरी इच्छा नूं, तेरी मर्जी नूं पूरा करा। जिवें तू परमेश्वर अपने पुत्र यीशु नूं अति महान किया और वो नाम दिता जो सब नामा तो उत्तम सी, अज तू मैनूं उत्तम जीवन देने दे लई स्वर्ग छड्ड के इस पृथ्वी ते आया है और क्रूस ते उत्ते बहुत दुख उठाया तू मेरे परमेश्वर, मेरी खातर। मेरे परमेश्वर तेरे गुण मेरे जीवन तो प्रकट होन, मेरे प्रभु तेरा प्रेम मेरे जीवन तो प्रकट हो। और मैं विश्वास कर दी हूं, बोलो विश्वास करना, आज तो एक फैसला लो परमेश्वर नाल, एक दृढ़ फैसला लो खुदा दे अगे, क्योंकि वह परमेश्वर तुहाडे सन्मुख है, तुहाडे सामने है इस जगह पर। एक फैसला लो अज अपने जीवन तो, क्योंकि वह खुदा साडे विचकार है, मौजूद है। एक फैसला लो अज, खुदा का अनुग्रह तुहाडे ते वध रहा। अगर तुसी अपने मन नूं फिरा रहे हो और फैसला ले रहे हो परमेश्वर नाल जीवन जीन दा, खुदा का अनुग्रह तुहाडे उत्ते आ रहा, उहदा अनुग्रह आ रहा, अनुग्रह आ रहा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपनूं आशीष दो, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन च लैंदा है वो बुद्धिमान है। बोलो कौन है वो बुद्धिमान। असी
परमेश्वर दीआं कीतीआं होईआं भलाईआं उहदे कम्मां नूं वाह सॉफ्ट थोड़ी करो वाह सॉफ्ट नहीं है शक 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 कर असीं परमेश्वर दे कीतीआं होईआं भलाईआं नूं उहदे कम्मां नूं सुणांगे जिहने साडे नाल साडे रह के साडे नाल कीते ने क्योंकि परमेश्वर भलाया बोल के आओ भलाया ते आओ असीं उहदीआं भलाईआं नूं उहदे कीते होए कम्मां नूं सुणांगे सब जल्दी जल्दी अपनी टेस्टमनी वाले गवाही वाले एक साइड ते आ जाओ जल्दी सब सब जल्दी और सच्चा खुदा जो तनु बहुत प्रेम करता है बोलो की करता तनु तनु बहुत प्रेम करता है वो अपने कम्मा नु करते कदी भी अपने मन पिछे नहीं करेगा और करेगा और बहुत करेगा जो ती सोचते ते मंगते हैं लिखिया उस तो भी कई गुना ज्यादा करेगा साढ़े सोचण ते मंगण तो भी कई गुना ज्यादा करने वाला परमेश्वर तो ठीक है असी आओ परमेश्वर ने भलाईया नू हालेलुया प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया अज दिया गवाइया दे लई प्रेज़ जी इन्हां दे नाल कुलविंदर कौर या मालूवाल तो आए आ और इन्हें दसिया कि इन्हां दी बेटी 8 साल दी सी जदों ये बेटी नू दौरे पैंदे सी और बहुत ज़्यादा जो इन दौरे पैंदे सी एक दिन विच इन 4-5 वारी दौरे पै जांदे सी और इस बच्ची का शरीर जिहड़ा ही पूरा एवें डेड लगता सी और हाथ पैर जिहड़े नाड़ियां सी उहदियां ब्लॉक हो जांदियां सी और इन्हें दस्सिया कि सही इस बच्ची को बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हाँ कि मतलब कंडीशन ये हालात इतने पता नहीं लगता किवें आ जाता वा और कहिंदे कि रात नूं भी बहुत ज़्यादा एवें कई वारी इन दौरे पै जांदे सी और बहुत ज़्यादा कहिंदे असीं परेशान सी और प्रेर जी दस ही पए ने कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसन भी लई सी पर कोई फर्क नहीं पिया और बहुत ज़्यादा धार्मिकता भी की पर इस बच्ची नूं बिल्कुल भी सही नहीं हुई भी और इन्होंने दस्या वा कि प्रेर जी जदों इन्हों परमेश्वर की सच्चाई बारे पता लगा और इस संगति में आना शुरू किया और प्रेर जी थोड़े द्वारा इस बच्ची दे प्रे हुई और उस दिन तो लैके अज तक ये बच्ची 13 साल की हो गया इनू कदे भी दौरे नहीं पए और प्रभु ने इनू दौरिया तो बिल्कुल फ्री कर दिता वा और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तारीफ करांगे सुनो 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 ये आम जी गल नहीं लगती किस बच्ची ने दौरे पेंदे सी इन्ने साल तो ये आम जी गल नहीं कोई खास नहीं ये आम जी गल है किन्ने साल तो बच्ची ने दौरे पेंदे सी और उस परमेश्वर ने की कर दिता फ्री करता आम जी गल नहीं है तनु आम जी लग रही खास है तो तारीफ भी की होनी चाहिए है जोर से रूह से दिल से तो हालेलुया तो प्रेरित जी नाम जसबीर और वल्ले दे रहने वाले ने ये दसते पे ने कि इन्हों का बिल जो 5000 आता सीगा हर वक्त और ये दसते पे ने कि असी बत्ती वाले ने बोलिया कि साडा बिल बहुत ज़्यादा आता वा और तुसी इन्हों थोड़ा लैस करवा दो लेकिन दस रहे ने कि उन्होंने साड़ी नहीं सुनी और ये दसते पे ने कि असी परमेश्वर अगे प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे अगे प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर साड़ी आवाज़ नूं सुन और दस रहे जो इन्होंने प्रेर की और परमेश्वर ने इन्हों की आवाज़ को सुनिया जिमें इजराइलियां की आवाज़ स्वर्ग में पहुंची और इन्हों की आवाज़ को सुनिया और दस रहे ने कि परमेश्वर ने जो 5000 इन्हों बिल आता सगा हूँ 1100 रुपया बिल आ रहा इस बस्ते सामर्थ्य नाम दे सुनो सुनो एक चीज़ और भी सुनो कि साड़ी प्रार्थना नाल इदा हो सकता है बोलो बोलो कि साड़ी प्रार्थना के नाल इदा कुछ हो सकता है बोलो हो सकता हो सकता कि नहीं इको कटाओ मेरे माइक से
हो सकता ना और कटाओ इको फ्लैट क्योंकि परवचन च लिखिया धर्मी जन की प्रार्थना के नाल बहुत कुछ हो सकता समझते हो अगर तुहानू ये नहीं समझ असी पापी हाँ कि धर्मी हाँ समझ तुहानू समझना पएगा कि असी कौन है हुण अगर तुसी अपने आप नू समझते हैं कि हाँ मेरे प्रभु ने मैनू अपना लहू दे के मैनू उस पाप के वासों छुड़ाया है और अपने राज का अधिकारी बनाया है मैनू धर्मी बनाया और मैं जो बोलांगी अपने प्रभु के नाम च वो होएगा और भी इको कट बिल्कुल इको नॉर्मल करो समझ रहे हो क्योंकि असं जानते हैं धर्मी जन की प्रार्थना नाल एक 5,000 की जो पे करना पएगा गवर्नमेंट नू बिल बिजली वाले नू बोलिया ये तुसी करो ये कुछ गड़बड़ आ उन्होंने नहीं सुनी अगर इंसान नहीं सुनता तो कौन सुनता फिर किन्नू कहो इन्हें किन्नू किया और 5,000 जेड़ा हर महीने आ रहा सी खुदा दे अगे प्रार्थना की और वो कट के हर महीने बिल 1100 हो गया ऐसे काम कौन कर सकता है कौन कर सकता और प्रेरित इन्हां दी दूसरी गवाही इन्हां दे बेटे दी आ ये दसदे पए ने कि इन्हां दे बेटे नूं डेंगू बुखार हो गया और दस रहे ने कि इन्हां दे सैल भी 1.5 लाख जो सैल सीगा वो घट गया सीगा और ये दस रहे ने कि थोड़ी मेडिसिन ली लेकिन कितों भी आराम नहीं आया और ये दसदे पए ने कि असी रब दे दास दे कोल गए और परमेश्वर दे दास ने मेरे बेटे दे लई प्रार्थना की और दस रहे ने कि जिस दिन ही प्रार्थना आई उस दिन ही परमेश्वर ने जो डेंगू बुखार सीगा उतों भी आजाद कर दिता और जो सैल की प्रॉब्लम सीगी परमेश्वर ने उन्होंने सैलों में पूरा कर दिता शुभ दे सामर्थ्य उस नाम दे और तारीफ तारीफ करांगे खुदावंत परमेश्वर की पूरे मन से पूरे जोर से परमेश्वर की तारीफ करांगे इन्हां गवाहियां दे लई परमेश्वर दी तारीफ करांगे प्रेरित जी इन्हां दा नाम एंजल प्रीत कौर आ अरे मोदल पिंड दे रहण वाले और इन्हां दस्या आ कि 3 साल तो इन्हों के लैफ्ट कन में जो लैफ्ट कन से इन्हों का वगदा सी और कहते कि रात दिन इन्हों का कन वगदा रहता सी और इन्हें बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी लई सी पर कोई फर्क नहीं पिया और पिछले संडे जो संगति में आए और प्रेरित जी तुहाडे मुख तो हीलिंग हो रही थी कन्ना की और इन्होंने रिसीव किया और उस दिन तो ही परमेश्वर ने इन्हों के कन्ना की जो प्रॉब्लम से उदो इन्हों फ्री कर दिता वा हूँ एक हफ्ता हो गया कि इन्हों का कन बिल्कुल भी नहीं वगदा और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कितों आए ने कितों आए ने सुनो ये अनुग्रह की कृपा है समझते हो खुदा तुहाडे लई बोलदा है पर तुसी उस परमेश्वर दीआं गल्लां नूं अपने जीवन च किस विश्वास नाल ग्रहण कर रहे हो प्राप्त कर रहे हो ये तुहाडे उत्ते निर्भर करता है की करदा है क्योंकि मैं नहीं परमेश्वर ने तुहाडे लई खास करके मेरे जीवन तो मेरे मुख तो होके बोलिया खास करके कन्ना वाले गर्दन दे दर्द सर्वाइकल वाले ने अगर तुसी जिवें मैं तुहानू दसदा एक राजा दा लिखिया राज कर्मचारी सी ते लिखिया उहदा पुत्र बीमार हो गया और मरन वाला हो गया मतलब लास्ट स्टेज ते सी और भी इको कट करो तो प्रभु यीशु मसीह को लाया और उन्हें आके प्रभु के बेनती की कि मृत्यु उदे मौत होने तो पहला मेरे बच्चे ते जल्दी मेरे नाल चलो मेरे घर तो प्रभु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है कि क्या जा तेरा पुत्र जीवित है अगर वो शरीर विच हुंदा जां शरीर नाल सोचदा नहीं 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 प्रभु जी उत्ते गल तुहाडी ठीक है पर नहीं तुही एक वारी चलो की करो एक वारी तुही चलो
उन्हें आत्मा की गल नू आत्मा दे नाल लिया, शरीर नाल नहीं लिया। कई लोग आत्मा की गल नू शरीर नाल लेंदे ने। उन्हें जो प्रभु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, उन्हें तुरंत लिया और बोला धन्यवाद, समझ हो गया मेरे लिए। फिर मतलब उन्हें किंतु परंतु नहीं किया कोई, बस हो गया बस। और रस्ते विच खुशी न जा रहा, प्रभु ने कहा है और मेरा पुत्र चंगा है। और लिखा रस्ते विच जो जा रहा सी तो वो सिपाही उन्हें मिले, उन्हें आख्या तेरा पुत्र जीवत है। उन्हें कहा कदों, उन्हें पूछा टाइम, पूछा कदों, उन्हें बोलिया समय के अनुसार, बोलिया इन्ने टाइम पहला, इन्ने कड़ी समय पहला। तो उन्हें याद आया कि उस समय प्रभु ने कहा कि जा तेरा पुत्र की आ जीवत है, समझ रहे। ये डिपेंड साढ़े उत्ते करता, निर्भर साढ़े उत्ते करता कि असं प्रभु दियां गल्लां नूं किस विश्वास नाल, किस तरह अपने जीवन च ग्रहण कर। इन्होंने विश्वास नाल ग्रहण किया, अपने जीवन च लिया। कदों तो आ रहे इत्थे ते माइक तो अच्छा, ओपनिंग तो स्टार्ट नहीं, समझ रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं होया अच्छी, समझ रहे हो। और जो लोग अगर और भी कोई हुंदा तो सेम, अगर राज कर्मचारी दे, राजा दा जो राज कर्मचारी सी जिवें उन्हें परमेश्वर की गल नूं ग्रहण किया अपने जीवन च लिया, अगर कोई और भी हुंदा तो भी इस तरह ही करता है, यस मेरे लिए प्रभु हो गया, अज तू अपने दास के द्वारा मेरे लिए बोलिया और हो गया। तो कि उहदे लई ना हुंदा, बोलो हुंदा कि नहीं हुंदा, हुंदा कि नहीं हुंदा। अज विश्वास करियो परमेश्वर आत्मा मैं कह रहा कि अखां दे रोगी अज खुदा उन्होंने छून वाला, आजाद करने वाला है। अखां दे रोगी अज फ्री होने वाले ने। आमीन। विश्वास नाल बैठे रहो, आत्मा नाल अपने आप नूं परे रहो। आमीन। तारीफ करांगे इस गवाही लई, तारीफ करांगे जोर से। तो प्रेरित जिन्हां दा मनजीत और तौलकलां दे रहण वाले ने, ये दसदे पए ने कि इन्हां नूं गुप्त रोग की प्रॉब्लम सीगी, और ये दस रहे ने कि इन्हां नूं डिप्रेशन सीगा बहुत सारा, और ये दसदे पए ने कि इस जगह ते एक ब्रदर ने अपनी टेस्टमनी दित्ती सीगी, जो फौजी साहब सीगे उन्होंने कहा सीगा कि मैनूं घर विच्चों बाहर कढ़िया गया सीगा, और दस रहे सीगे परमेश्वर दे आत्मा ने मैनूं एक दर्शन दिखाया सीगा, और ये दस रहे ने कि मैं भी परमेश्वर नूं बोलिया कि परमेश्वर तुसीं वी मैनूं अज बल्कि अपनी आत्मा द्वारा दस चुके हो, और ये दसदे पे ने जो गुप्त रोग सीगा, और उस तो बाद भी दस रहे ने कि परमेश्वर दे दास ने जो प्रभु भोज सीगा उहदे विच परमेश्वर दे दास ने बोलिया कि अज प्रभु यीशु दा लहू तुहानू सारे पापां तों और तुहानू बीमारियां तों आजाद कर रहा है। और ये दस रहे ने कि मैं जदों रात इस तरह सुती सीगी और परमेश्वर ने कि मैनूं दर्शन दिखाया कि मैं वेख्या कि मैं सुती हाँ और मेरा हथ फड़ के किसी इंसान ने मैनू टूटी के थले लै गया और मेरे सिर विच पानी पैना शुरू हो गया, और दस रहे ने कि मेरे सिर विच बहुत सारा खून जमया हुआ सीगा और जदों जदों पानी पै रहा सीगा वो मेरा खून सारा ही टूटी दे राही सारा वगदा जा रहा सीगा, और ये दस रहे ने कि मैं जैकदम इस तरह उठी और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर इस दर्शन के नाल तुसी मेरी बीमारी नू तो मैनू आजाद कर चुके हो। और ये दस दे पे ने कि उस दिन ही परमेश्वर ने मैनू उस बीमारी तो जो गुप्त प्रॉब्लम सीगी, जो डिप्रेशन सीगा, ये दस रहे ने कि मैनू परमेश्वर ने उधर ही आजाद कर दिता, और इस गवाही के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और चार से तारीफ करांगे खुदावंद परमेश्वर की, पूरे मन से तारीफ करांगे परमेश्वर की, जो से प्रेर जी इन्हां दा नाम रमनप्रीत कौर है, भगवानपुरी तो आए आ, और इन्हें दसिया कि इन्हें जीजा जी की गवाही आ कि जानक उन्होंने हालात आ गए, उन्होंने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, और जो उन्हें चैकअप करवाया तो डॉक्टर ने उन्होंने दसिया कि मैं उम्मीद बाथरूम आ रहा वा पर लैटरीन नहीं आ रही, और जो उन्हें टेस्ट किया तो उन्होंने दसिया कि तुहाडी नाड़ी जी ब्लॉक हो गई आ, और इन्होंने 5 हॉस्पिटल चेंज किए, और हॉस्पिटल वाले ने इन्हों दसिया कि तुहानू ऑपरेट करवाना पवेगा, और इन्होंने दसिया
कि साड़ी चाह सी कि परमेश्वर उन्होंने वधिया कर चुके आ पर उन्हां दी फैमिली जड़ी विश्वास विच नहीं सी और हॉस्पिटल विच सी पर इन्होंने भी प्रार्थना करनी शुरू की परमेश्वर अगे और इन्होंने दस्से कि चार दिन हॉस्पिटल विच रहे जो इन्होंने परमेश्वर अगे प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने इन्हां दी प्रार्थना सुनिया और जो उन्हां दी नाड़ी ब्लॉक सी और उन्हां दी नाड़ी खुल गई उन्होंने कोई भी ऑपरेट नहीं करवाना पिया और जो कि लैटरी नहीं सी आ रही वह भी उन्होंने बिल्कुल वधिया हो गई और जो दर्द सी परमेश्वर ने उन्होंने आजाद कर दिता और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेरित जी का नाम मनजीत त्यार इन्हों का मनप्रीत नाम और जवाहर नगर के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों बुखार हो जाता सदी लग जाता सदी हो जाता सर ये दस रहे हैं कि मैं टैसट करवाने वास्ते गई और डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडे सैल कटे हुए हैं और ये दसते पे ने कि मैं रब के दास नूं इस तरह मिली और रब के दास ने बल्कि दस रहे हैं कि मैं इस तरह फोन पर गल हुई और दसते पे ने कि जो रब के दास ने मैनूं बोलिया कि तुसीं एक गिलास लो और पानी नूं लवो और ये दस रहे हैं कि उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और ये दस रहे हैं कि जो उन्होंने प्रार्थना की और मैं पूरे मन तो रिसीव किया कि परमेश्वर प्रभु यीशु इतना पवित्र ब्लड आ और इस पीन के नाल अच्छ मेरे पूरे शैल कर चुके हो और ये दसते पे ने कि उन्होंने विश्वास के नाल लिया और ये दस रहे ने जो उन्होंने पी लिया तो उस तो बाद परमेश्वर ने मैनू जो सैल की प्रॉब्लम सी वो तो आजाद कर दिता हूँ इन्हों कोई प्रॉब्लम नहीं आ कोई बुखार नहीं आ ये पूरी तरह आजाद हो चुके हैं ईश्वर के सामर्थ्य अर्जन के नाम के और इस गवाही के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद जोर से खुदा जोर से पूरे मन से बलविंदर कौर या जहांगीर के रहने वाले आ और इन्हें दसिया कि इन्हों के बेटा पहला भी कवैत में गया से और डेढ़ साल उत्थे उन्होंने जॉब की और जो वापस आ गए और दो साल हो गए से उन्होंने वापस आया और उन्होंने फिर जाने का मन से और बहुत ज़्यादा इन्हों रुकावट आ रही से उन्होंने जाने और इन्हें दस के जो असं परमेश्वर बने रहे और प्रार्थना करते रहे तो जिस दिन उस इन्हों के बेटे ने जाना से उस दिन भी काफ़ी इवें प्रॉब्लम आ रही सी और जो उन्होंने मैडिकल होया तो काफ़ी इवें शो नहीं सी हो रहा जो इतने होना सी तो जो इन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इन्हों की प्रार्थना सुनिया और जो उत्थे पहुँच के दिल्ली मैडिकल होना सी वो भी मतलब शो नहीं सी हो रहा और इन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर अगे कि परमेश्वर तुसी मेरे बेटे नूं वधिया जिवें पहला बचाया हुण भी बचा चुके जो तो परमेश्वर ने इन्हों की प्रार्थना सुनिया और हुण उत्थे जाके उन्होंने काम भी मिल गया वा और उत्थे बहुत वधिया ने खुश ने और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेरित जी इन्हों नाम गुरविंदर और भगवान के रहने वाले ने दसते पे ने कि इन्हों कोई काम नहीं सीगा अगर काम मिलता सीगा तो बहुत ज़्यादा भारा मिलता सीगा और ये दसते पे ने कि रब के दास हीलिंग कर रहे सी और परमेश्वर की आत्मा ने उन्होंने मुख तो बोलिया कि जिन्ना कोल काम कर नहीं आ परमेश्वर का आत्मा उन्होंने काम कर देन जा रहा है और ये दस रहे हैं कि मैं रिसीव किया कि परमेश्वर जो रब के दास के मुख तो तुसी बोलिया मैं रिसीव करदा और परमेश्वर तुसी मैनू काम नाल ब्लैस कर चुके हो और ये दसते पे ने कि उस दिन ही परमेश्वर ने मैनू एक बहुत वधिया जॉब ते बहुत वधिया काम ते लगा दिता और इस गवाही दे नाल यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जॉब से तारीफ करेंगे खुदा दी पूरे मन से तारीफ करेंगे खुदा दा परमेश्वर दा। प्रेज जी इन्हां दा नाम राणी आ रजिंद्रा नगर दे रहण वाले आ और इन्हें दसिया कि इन्हें दस दिन हो गए थे कि इन्हें लैफ्ट लत्त में बहुत ज़्यादा दर्द होती सी और जो वीरवार की मीटिंग में आए तो प्रेर जी थोड़े द्वारा इन्हें प्रे हुई और कहते कि उस दिन तो लैके अज तक जो दर्द है वो तो फ्री हो गया इन्होंने को पहला बैठा भी नहीं जाता और कहते कि काम भी नहीं होता उस दिन तो लैके अज तक काम भी कर रहे हैं घर का और इन्हों को बैठा भी जाता इस गवाही लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अमरजीत कौर जहांगीर के रहने वाले आ और इन्हें दसिया कि इन्हें जो छोटी पोतरी आ
एक महीना हो गया कि इन्हें लूज मोशन हुई सी और इन्हें बहुत ज़्यादा मैं मेडिसन भी दी पर कोई फर्क नहीं सी पिया और ये भी वीरवार की मीटिंग से आए और प्रेज इस बच्ची से प्रे हुई तो इन्हें दसिया कि हूँ एक महीने की जो लूज मोशन हुई सी बिल्कुल नहीं सी फर्क पै रहा हूँ उस दिन तो ये बेटी पूरी तरह आजाद आ फ्री कर दिता परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम तो इस गवाही लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कर देने और इसकी तारीफ करेंगे जो अपने पूरे मन से तारीफ करेंगे खुदावंद परमेश्वर की पूरे मन से तो सुनो आजकल जिवें बावा बीमारियां समझ गए अजक बहुत सारे लोगों सैल कटन की वधन की की हो रही है कई कटन की और कई वधन की हो रही है कि नहीं हो रही हो रहा पर परमेश्वर का वचन सानू समझाता है जिवें दाऊद कहता तुसी कन्नवें जबूर पढ़ोगे अपने अंदर रखोगे उन्हूं तो दाऊद कहता जो अत महान की ओट विच वसदा अज तुसी दो टेस्टमनी सुनी होने उन्हें कि बहुत दिनों तो इस साइड लत विच बहुत दर्द सी और बहुत परेशान सी और वीरवार की मीटिंग आए और की पाई क्योंकि जो आएगा वो पाएगा जो आएगा वो पाएगा और वो बच्ची भी सुनिया वो भी आए वीरवार की मीटिंग च और आके कई दिन तो की सी उन्हें समझ लो तो सेम उस बच्ची ने भी छोटी ने उस प्रॉब्लम तो की किया आज़ाद किया परमेश्वर ने पर जो आएगा वो आज़ादी पाएगा इसलिए दाऊद कहता जो अत महान की ओट विच वसदा वो सर्वशक्तिमान दे साए हेठा टिकेगा ठिकाणा पाएगा फिर वो महामारी दे रोगों तो जो शैतान दिन दोपहरे तीर अपना छड़दा जिवें तीर ना तू रात के बैसे ना दिन के ना उस तीर से जो शैतान लोगों के जीवन उजाड़ दे ले उन्होंने जीवन उजाड़न दे ले दिन मारदा है समझ तो कदों होएगा तू बहेलिए जाल से जो शैतान साढ़े लिए विछांदा है तू फसेगा नहीं है पर जो तू किदे विच ठिकाणा पाएगा और किदे विच जीएगा बोलो किदे विच इसलिए असी जीना है उस खुदा दे साए विच उदे अनुग्रह उदी कृपा विच बने रहना और किदी आवाज़ नू सुनना ऐ सुनदे है ना जो सुनता है आवाज़ बोलो जो सुनता है आवाज़ आत्मा की समझने जो सुनता है आवाज़ आत्मा की उसे जीवन मिलेगा उसे जीवन मिलेगा कैसा जिसका भरोसा है यहोवा पे तो जिदा तो भरोसा और जिन्हों चाहत है जिन्हों प्रेम है वो तो आएगा बोलो कि आएगा वो आएगा अपने जीवन दे हर मुकदमे नू अपनी हर जरूरत नू खुदा दे अग्गे लेके जाएगा समझने पर जो सिर्फ अपने लिए जी रहा हाँ मेरा एक कम मेरा कम कम तो होने है समझने पर जे साड़ी सोच ही एक कम तक बन गई तो जेड़ा अनुग्रह जेड़ी कृपा आ जेड़ा परमेश्वर का प्रेम आ जेड़ा तुहाडे जीवन तो कुछ चाहता है वह अधूरा रह जाएगा इसलिए क्या इस आज़ादी नू शरीर कम्मां दी आड़ नहीं बना देना सिर्फ समझने ये तो हुंदे रहणगे ये तो हुंदे रहणगे पर जिस दे लई खुदा ने तुहानू अपनी इच्छा पूरी करन दे लई बुलाया बोलो अपने जीवन तुहाडे जीवन तो अपना जीवन दे के चाहुंदा कि परमेश्वर तुहाडे जीवन तो भी वह प्रेम प्रगट हो वह गुण प्रगट हो अज तुहाडा लोग सुभाओ तुहाडा चाल चलन तुहाडा जीवन बदलिया आ वेख के जो स्वर्ग विच परमेश्वर आ उहदी की करन वड्याई करन अज असी इसलिए बुलाए गए हैं समझदे हो और परमेश्वर करदा जाएगा बस अपने मन नू हमेशा तैयार रखो और प्रेम नाल चलो और नम्रता दे नाल जियो दे नाल आमीन असी एक वर्शिप सॉन्ग सुनांगे सब अपनी जगह ते असी खड़े होवांगे आराधना करांगे खुदा दी रूह ते भर के आत्मा नाल असी वर्शिप करांगे पूरे दिल नाल और रूह नाल
खुशियां दिया चढ़ियां लग जावन सब गम दिया तू पाड़ जावन जादू
ਦੇਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਯੇਸ਼ੂ ਆ ਕੇ हेलो किन्ने लोग विश्वास करते ने इसलिए रोज़ कहता है कि मैं तोड़े दिल दा कुंडा खड़काना है मैं अंदर आना चाहना है मैं किया तेरे अंदर आना चाहना वो कुंडा खड़कांदा साढ़े मन दा कि मैं अंदर आना चाहना है असी खोल देनी है और रोज़ खड़का के चला जाता है बोलो रोज़ खड़का के साढ़े दिल दा कुंडा चला जाता है और असी कुंडा खोल देनी अपने मन नु खोल देनी इसलिए प्रभु ने कहा जड़े खाली होठां दे नाल बुल्लां दे नाल धन्नवाद करते ने पर दिल की ने दूर ने इसलिए असी जो कुछ करना मन तो करो तन मन से करो ये समझ के नहीं किसी मनुख दे लई असी किदे लई कर रहे हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश अते पृथ्वी का मालिक है और उन्हें सानू अपना जीवन का बलिदान दे के सानू असंधकार दे वस चो छुड़ाया है समझ रहे और अपने प्रिय पुत्र दे राज्य का अधिकारी बनाया है समझ रहे हो इसलिए जो कुछ कर दियो तन मन से करो और अपने जदों किसी दे दिल दे बूहे दे वेड़े बह जांदा आके ते फिर खुशियां दियां चढ़ियां ते गम दे बदल की हो जांदे ने हट जांदे ने की हट जांदे ने गम दे बदल हट जांदे ने ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੇ ਕਈ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦਾ ਪੇੜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਟਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਮਝਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਈ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਭੀੜ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਨਿਆਉ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਉ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ
वो पूछेगा कि मैं भुखा सी, मैं तेरे घर आया ते तू मैनू रोटी नहीं दिती। तू बोलना कदों आए प्रभु जी, कि आए हैं कदों आए तुसी कि मैं आप रोटी नहीं तेन दिती। फिर बोलेगा मैं प्यासा सी ते तू मैनू पानी नहीं। बोले कदों आए, मैं नंगा सी तुझे कपड़ा नहीं दिता, मैं तकिया विश्राम नहीं, तु कदों आए प्रभु जी। फिर उन्हें कहा जेडे छोटे तो छोटे मेरे दास सेविक सी, जो मेरिया गलां लैके तुहाडे कोल आउंदे सी, मेरे बारे दसदे सी, मैं उही सी ते तू ही मेरी सुनी। समझ आ रही है? ते तुसी मेरी सुनी नहीं, जिद्दां मैं तुहानू बोलदा सी, क्योंकि कौन बोलदा है, बोलो कौन बोलदा, समझ रहे? क्योंकि वचन च लिखिया बोलन वाले असी नहीं, पिता का आत्मा है। कौन है? तसलुकियां दे लोकां नू प्रेषित दास पौलुस ने कहा तुसी मनुख का समझ के नहीं, किहदा समझ के लिया, परमेश्वर का समझ के लिया, समझ रहे हो? इसलिए असी किहदा समझ के लेना अपने जीवन च वचन। अगर तुसी मेरा समझ के लोगे तो इन्ना प्रभावशील नहीं होएगा, अगर परमेश्वर का समझ के लोगे, हाँ धन्यवाद, यस परमेश्वर मैं अज तो इदा करांगी, यस मैं तेरे लिए जीआंगी। समझ रहे? अपने स्थान नू कदी नहीं छड़ना, बोलो अपने स्थान नू, जो परमेश्वर ने तुहानू एक जगह दिती है, की दिती बोलो, अपनी जगह नू। शैतान बड़ा शत्र है, समझ रहे? वो बहकावे च तुहानू पांदा है, समझने, कदी बहक नहीं जाना, कि नहीं जाना, बहक नहीं जाना। इसलिए आओ अज दे वचन दे लई अपने हत्थां नू उठाओ, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अज दे वचन दे लई मैं अपने हिरदे और अपने मन नू खोल दी हां, खोलदा हां, अज दा वचन मेरे जीवन च 100 गुना फलां नू पैदा करे, फलां नू पैदा करें, और अज दी हरेक प्रभु तेरे वचन दी गल मेरी बुद्धि अते समझ आए, और वो आत्मा जो मेरे जीवन चो वचन चुरांदी है ते मैनू समझन नहीं देंदी, मैं कमांड करो उस आत्मा नू, बोलो बोलो, यीशु तेरे जलाली और जिंदा नाम च, ऐसी आत्मा जो मैनू समझन च रुकावट आ, जो समझन विच रुकावट आ, जो मेरे जीवन चो वचन नू चुरांदी है, और चली जाए हमेशा ले, मेरे जीवन नू छड़ के वो आत्मा चली जाए। अस खुदा तेरा बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन पे आए, क्योंकि तेरा वचन जीवत है, दो तारी तलवार नालो तिखा है, प्राण गाठ खुदे ते मन दिया भावनावां ते विचारां नू खत्म करता है। अज मेरे सारे विचार, मेरिया भावनावां, मेरे परमेश्वर अज तेरे जिंदा वचन नाल मेरे जीवन चो मैं शास कर दी हां, करदा हां कि खत्म हो चुकी ने, मैं ग्रहण करदा उस वचन दे लिए अपने मन में, आमेन। बैठ जावांगे अपनी जगह ते, सब अपनी बाइबल्स अपने वचन नू निकालो, सब अपने वचन नू, कि वचन एक हथियार है, बोलो वचन की है एक तड़ा हथियार है, अगर जोधा बिना हथियार दे लड़ाई लड़न ली चढ़ चले जाए तो की होएगा, जितेगा कि हारेगा, समझे? वचन एक हथियार है, अगर तुहाडे कोल नहीं है तो तुसी हारोगे, समझो? इसलिए अपने शास्त्र नू, अपने हथियार नू, समझे, अपने जीवन तो भी ज्यादा प्रेम करो, की करो अपने जीवन नालों अपनी जान नालों भी ज्यादा प्रेम किनू करो, खुदा दे वचन नू करो। जदों दाऊद नू मिलिया ये वचन तो परमेश्वर कहना मैं इन्ना खुश हाँ जिमें मैनू कोई लुट का खजाना मिलया है, मैं किन्ना खुश हाँ उस वचन में पाके जिमें कोई वड्डी लुट का खजाना मैनू मिल गया, तो किन्ना खुश हो अज इस वचन में पाके, बोलो किन्ना खुश हो, बहुत सारा कि थोड़ा, बहुत सारा। इसलिए क्या असी जावांगे खुदा का वचन देखांगे, सेकंड तिमोथियस
दूसरा तिमोथियस तिंदी 16:15 तो पढ़ांगे। इस अगत असं पढ़ांगे 15 तो पढ़ांगे असं ऐसे। हाँ पढ़ो। और इस जगह लिखिया, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। की बना सकता तनु उद्धार। उद्धार परमेश्वर की सामर्थ्य ताकत है। बोलो कि यहां उद्धार, बोले समझे, उद्धार शब्द मुक्ति छुटकारा समझे, जो तो मिलता सानू ताकत या उधार शब्द च ताकत या सामर्थ्य परमेश्वर, और जो पाउंदा या उदे जीवन च किदी ताकत कम कर दी है। इसी लिखिया सलीब दी कथा नाश होने वाले लिए मूर्खता या, पर जो उधार पाउंदे ने उन्हां दे लिए की है परमेश्वर दी शक्ति है। बोलो कि उन्हां वास्ते पावर परमेश्वर दी जो विश्वास करने वाले दे नाल की करती है, कम करती है। तो बचपन से ही पवित्र शास्त्र क्या है तेरा जाना हुआ। प्रशेदास पौलस जी इगल तिमोथियस नू दसनी नी, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। की बना सकता तेनू बुद्धिमान। लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश समझाना सुधारना और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सद सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। बोलो की हो जाए, हो हर काम नु करन दे लियो की हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार। और तैयार कदों होएगा समझे, इसलिए खुदा ने अपना ये वचन देता सानू उपदेश समझाना और सुधारना। अगर परमेश्वर तनु कुछ सिखा रहा है तो तनु समझा रहा है, अगर तनु कुछ डांट दे रहा है कि नहीं इदा नहीं इदा करो, अगर तुसी उदी डांट नू परमेश्वर च लिखा जिन्हों वो पुत्र बनाउंदा उन्हों कोड़े भी लगांदा है समझदे हो, अगर तुसी उदी गल नू समझ नहीं रहे, ग्रहण नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, जो तुसी करदे हैं अपने जीवन चीजा ग्रहण ते विश्वास करदे हैं और असी सिद्ध हुंदे हैं, सिद्ध। और सिद्ध तदों ही इंसान बनेगा जो किदे वचन पूरा करेगा, समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, साडे लिए हर एक लिए, हर एक दे लिए लाभदायक है वचन। इसलिए जो आत्मिक उन्नति करता है, आत्मिक उन्नति साड़ी केवे होएगी, बोलो केवे होएगी साड़ी आत्मिक उन्नति केवे होएगी। असी आत्मिक अगर उन्नति करनी है तो किदी किदी रजा विच रहना पड़ेगा, किदी इच्छा नु असी पूरा करना है। समझदे तुसी हर समय, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति कदी गलती नहीं करता, जो सिद्ध नहीं है वो गलतियां करता है। गलतियां कौन करता है, जो सिद्ध नहीं है। इसीलिए अगर तुम इब्रानियों च जाओगे उत्थे जाओ तनु और समझ आए, इब्रानियों दी पत्री 12, इब्रानियों 12 3 तो पढ़ो। इसलिए नहीं, 2 तो पढ़ो, 2 तो। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हाँ। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ। तो विश्वास के कर्ता, सब तो पहले सब कुछ किन्ने करके दिखाया, सब कुछ किन्ने करके दिखाया,
यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया अपने जीवन तो। लिखा महान होके भी एक आम मनुख बनिया, कि बनिया वो महान होके भी एक आम मनुख, और लिखा दास दा स्वरूप धारण कर लिया, कदा एक आम व्यक्ति बनिया, और अपने जीवन तो उस शास नाल सब कुछ उन्हें करके दिखाया। बोलो की करके, तूने क्या मैं तनु सच सच कहना जो कम मैं करदा तुसी भी करोगे, और वरन इस तो भी वड्डे करोगे, पर कदों होंगे। बोलो अगर साड़ी ये चाल असी ये चाल चलना गे जो प्रभु ने किया, क्योंकि उन्हें करके दिखाया कि जो कम मैं करदा तुसी भी करोगे। समझने एक 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 जिदे सिर विच दर्द रहिंदा है, बोलो जितो बहुत परेशान है वो इंसान, समझ रहे हो, उस दर्द तो परेशान है, पर कहना प्रभु कह रहे मेरी जो मैं कह रहा उन्नू समझ और उदा कर, की कर जो मैं कह रहा उदा कर, पर जिस दर्द लिए तू परेशान है तू हजारा उस दर्द दे लोगों नू तू जाके दसेगा। समझ रहे, सब तो पहले किन्ने करके दिखाया, विश्वास तो करता यीशु मसीह ने सब तो पहले अपने जीवन च करके दिखाया। तो किदा लिखिया, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की वल ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना की। समझ आनंद समझने, वो जानता सी कि मैनू मतलब प्रभु जानता सी कि इस दुख तो बाद जो मैनू आनंद वो जीवन मिलने वाला है, उन्हें उसकी परवाह नहीं की थी। उन्हें दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ किया, ताने मेने, लोग पत्थर फड़ के उन्हें मारन दे लिए तैयार हुए, बुरा पला क्या इतों तक भी क्या कि तू नजायज संतान है, तेरा पिता नहीं है, तू पता नहीं किवें पैदा होया है। समझ, तूने क्या लोगों ने कहा तू व्यभिचार से पैदा हुआ, उसने कहा हम व्यभिचार से पैदा नहीं, हम एक अर्थात उस परमेश्वर से हैं। वो उन्हें दसिया पर लोगों ने कहा तू नजायज संतान है, जिम्मे आज भी लोग बोलते नहीं, अच्छा तुम उत्थे जाते हो उधर तो प्यो नहीं हैगा, ऐदा भी बोलते ने लोग, तो उत्थे जाते हो तो लोग कहते हो प्यो नहीं हैगा, लोगों को पता नहीं है कि वह सारी सारी कायनता की है अधिकारी है मालिक है। तो लिखिया लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए, कदी क्रूस का दुख स्या और परमेश्वर दाइनी सच्चे पासे जा बैठे, कदों कदों जा बैठे, कदों उन्हों जगह मिली, तनु स्थान वो कदों मिलेगा, जो तुसी इस जीवन की चिंता नहीं, जो तुसी की दी जो प्रभु ने की दी मर्जी ने पूरा किया, तो क्रूस का दुख भी सिया। बोलो कि दुख सिया, क्रूस का, क्रूस का इन्ना दुख सिया, समझ ने चिंता नहीं की थी। लोग जो कह रहे ने समझ, और तीन च लिखिया इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, तुम निराश होकर सांस ना छोड़ दो, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। अही बोल रहे हैं, बोलो की हो रहे हैं उस गल नू, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो उस पाप ना लड़के अपने लहू नू अपने जीवन नू गवाया है। देखिए साडा लहू तो नहीं बया, थोड़ा किसी का लहू तो नहीं बया इस जीवन लैन ली, तुम तो खाली की किया सिर्फ विश्वास किया, खाली एक विश्वास किया कि हाँ प्रभु मेरे पाप ते गुनाह दे लई मरिया और तीसरे दिन मुरदिया चो जी उठिया, बस तुसी खाली विश्वास किया और कुछ नहीं किया, पर उन्हें सब कुछ अपने जीवन तो लिखिया पाप ना लड़ते हुए कि लहू गया, थोड़ा तो नहीं बया,
तुहानू लहू तो बहाना नहीं पेगा जीवन दे लैन लई जां जीवन दी कोई भी अपनी जरूरत नू पूरा करन दे लई तुहाडा लहू तो नहीं दे बल्कि सिद्ध करने वाले जब तक असी सिद्ध नहीं होवांगे तुहानू पता अब्राहम दे 24 साल बीते परमेश्वर ने वादा तो किया प्रतिज्ञा तो की है मैं तेनू संतान देवांगा पर जीवन 24 साल बीत गए और 24 साल बाद भी प्रभु ने उन्हें इको ही उत्तर दिता परमेश्वर ने कि अब्राहम मेरी उपस्थिति चल और सिद्ध हो क्यों जब तक इंसान उन्हें चीजा सिद्ध नहीं होगा आत्मा दिया गलों अपने जीवन तो पूरा नहीं करेगा तद तक उदा जीवन अधूरा है बोलो क्या हो उदा जीवन क्या अधूरा है इसलिए अधूरे नू किसी परिपूर्णता नाल परमेश्वर ने कहा परते जाओ अपने आप समझ अधूरा जीवन है और अधूरे व्यक्ति नू जिवें प्रभु ने समझ करके दिखाया सब कुछ असी अच अपने जीवन तो करना है बोलो उन्हें दुश्मन नू प्रेम करके दिखाया कि नहीं दिखाया बोलो यीशु मसीह ने दुश्मन नू प्रेम करके दिखाया दिखाया ना अज असी भी करना है ऐदा नहीं है प्रभु ने कहा जो तानू कर दे तो ओनू कर दे तो पापी लोग भी करते हैं ऐसे काम कौन करते ने पापी लोग भी करते ने पर असी पापी नहीं अज सानू परमेश्वर ने धर्मी ठहराया और असी वो करना है जो कौन चाहता है जो कौन चाहता है बोलो किदी इच्छा है अज परमेश्वर की इच्छा है तुम्हें पता है की इच्छा है प्रभु की पता है की इच्छा है प्रभु की इस दुनिया देने बोलो उच्ची बोलो यस सारा जगत बचाया जाए और मेरे सत्य दे ज्ञान तक पहुंचे और मेरे सच नू पहचान ले और पहचानने दे लिए सानू सिद्ध होना पड़ेगा क्यों ना पड़ेगा अपनी संसार की सड़ाहट तो जिच असी जींदे सी पुराने सुभाव दे विच छड़ना पड़ेगा अपनी आदतों नू छड़ना पड़ेगा समझो जब तक कहीं छड़ांगे नहीं तद तक खुदा दा अनुग्रह तुहाडे जीवन च प्रकट नहीं होएगा इसलिए संसार की सड़ाहट चिच असी जी रहे सी सोच रहे सी उन्हें छड़ दो जो बुरी अभिलाषावां तो पैदा होंदी है समझे और किदे सुभाव दे सहभागी बन जा जो पहला करते परमेश्वर कहते हूं ना करो अपनी पुरानी इंसानियत नू करनिया सेत किया उतार सुट्टो मार सुट्टो और नई नू पहन लो और अपने सिरजन हार दे स्वरूप विच बदल दे जाओ समझने क्योंकि असी किदा स्वरूप है बोलो किदा स्वरूप है जिवें तुहाडी परछाई इस तरह असी परमेश्वर का स्वरूप है लिखिया बदल दे जाओ जो पहले करते परमेश्वर कहते हूं ना करो समझने क्यों लिखे अपने मुंह तो गालियां भी कढ़ना जिवें पहले करते जो तीतस एक नमूना बनया अज असी एक नमूना बनना है दुनिया च बोलो कि बनना एक नमूना बनना समझ रहे हो समझ आ रही है एक नमूना बनना नमूना करके दिखाना अगर असी नमूना नहीं बनांगे तो भले कमां दा जिवें यीशु मसीह नमूना बन के दिखाया सब कुछ अपने जीवन तो करके दिखाया फिर उन्हें चेलिया ने कहा तुसी करो फिर अज अगे अगे साडी वारी है असी किदी बोलो किदी आग्या नू किदी इच्छा नू पूरा करिए जो शरीर विच व्यक्ति है आत्मा च नहीं है समझ इसे लिखिया बली बाती समझन दा की कारण यत्न कर समझे और सिद्ध हो सिद्ध बोलो की है अगर सिद्ध व्यक्ति नहीं है तो उन्हें कुछ भी कोई बोलेगा समझने लेकिन वो हवा दे उछाले उछलता है कभी कभी सुनिया किसी ने अच्छा हाँ जी ठीक है जी इस तरह कर लेने हैं अच्छा इतने जाइए जी इदा कर लिए जी समझने जेड़ा स्थान परमेश्वर ने तुम्हें दिता है बने रहो समझे ओदी इच्छा नू कि परमेश्वर अगे बेनती करो प्रार्थना करो किनिया सारिया असी गवाइया सुनते सुनते कि वो तुहाडी सुनदा है
सुनता नहीं सुनता कि सारिया असं गवाइया सुन दें कि असं परमेश्वर को पुकार ये वचन असी सुने और इस तरह क्या और हो गया समझे अज अज एक भगवानपुरे तो असी टेस्टमनी सुनी ना कि उन्होंने बेटी जिथे है ना व्याई है फैमिली विश्वास तो नहीं करते है ना हाँ बेटी कर लेगी अपनी पति दे करके पर वो विश्वास नहीं करते कई बार दसिया जिवें अज भी लोग विश्वास नहीं करते समझे पर इन्होंने उन्होंने लिए मंगिया परमेश्वर के कोलो कि परमेश्वर ने किया कि नहीं किया किया कि नहीं किया तू तो करने लिए तैयार है मगर असी अज अगर परमेश्वर जो दी इच्छा है क्योंकि कौन करता जो सिद्ध है समझने अगर असी सिद्ध नहीं है तो असी अपने जीवन तो वो प्रेम प्रकट नहीं कर पावांगे जो परमेश्वर के गुणा नूं असी प्रकट करन दे लई बुलाई गई समझ रहे हो क्योंकि हर एक दे जीवन तो किहदा गुण प्रगट होए हर एक दे जीवन तो किहदी सुगंध आए सुगंध तुहाडे जीवन तो किहदी खुशबू आए समझने समझ रहे कि तुहाडे जीवन तो किहदी खुशबू आए और ये खुशबू फैलती जाए जिवें सेंट तुसीं लगांदे हो तो जिथे भी जाते हो वो खुशबू सारे लोग तो जीवन की खुशबू है ये अंदर छिपी हुई समझने तुहाडे तो फैलेगी इस संसार च पर अगर तुही प्रभु दियां गल्लां च सिद्ध नहीं हो तो नहीं फैलेगी समझने लोग सानू वेख के विश्वास करते हैं लोग सानू साडे जीवन नू बदलदा होया वेख के विश्वास करते हैं समझने अगर साडा जीवन नहीं बदलिया तो दूसरा थोड़ा आंढ़ी गुआंढ़ी विश्वास नहीं करेगा अगर थोड़ा जीवन बदलिया थोड़ा जीवन ब्लैस है तो भी आएगा बच्चे जो लिखा हो तुहाडी आस के विषय तुहानू पुछणगे तुहाडी आशा के विषय तुहानू पुछणगे कि तुसी कित्थे जांदे हो की करदे हो समझदे क्योंकि थोड़े जीवन नू ब्लैस वेख के हो थोड़ी आस नू पुछणगे अगर थोड़ा जीवन ब्लैस नहीं है तो ये तुहानू की करना पेगा समझने तुहानू खुदा दी उन्हां गल्लां नू सीखना पेगा समझना पेगा जिवें असीं संसी पढ़िया संपूर्ण पवित्र शास्त्र पूरा ये पूरा वचन किदी प्रेरणा तो रचिया गया किदी आत्मा तो है परमेश्वर की आत्मा तो अगर कोई भी तुहाडे जीवन च कोई कमी है तो अगर तुसीं उन्हूं अपने जीवन चो दूर नहीं करोगे तो ब्लैस नहीं हो पाओगे समझे अपनी उस कमी नूं दूर करना है समझ रहे हो जिहड़ी चीज़ तुहाडे तो हो नहीं रही तो चाहते हो कई को लोग प्रार्थना करना चाहते पर होंगी नहीं क्योंकि प्रार्थना राही साडा एक परमेश्वर नाल संबंध है रिश्ता बनता है बोलो कि बनता एक रिश्ता रिश्ता या परमेश्वर के नाल प्रार्थना दे रही और कई को हो नहीं पाती और कई ये भी नहीं पता कि प्रार्थना किस तरह करने क्योंकि कौन कर सकता है जो सिद्ध व्यक्ति है समझे कई पता नहीं है किवें प्रार्थना करनी है मतलब सानू इन्ना ही इन्ने ही शब्द आते सानू इन्ना ही कुछ कहना होता है और नहीं सानू पता और उन्होंने कभी नहीं चाहिया आके कि असी समझिए उस गल नू कि असी और वधना चाहते अगे असी और किदा करिए सानू समझाओ सानू दसो इसलिए क्या ये सारी लिखित परमेश्वर के आत्मा तो उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा ली क्योंकि असी किदी धार्मिकता च किदी सच्चाई च बुलाए गए हैं समझ जो लिखिया मसीह विच उधार प्राप्त करने लिए तुहानू बुद्धिमान बना सकता समझ रहे कि बना सकता है और बुद्धिमान इंसान जानता है कि प्रभु की चाहता है मेरे जीवन में और मैं की करना है मेरा रोल की है मैं किस तरह चलना है उदिया की आज्ञावां ने उदी की मर्जी है जो मैं उन्हें पूरा करना की नियम ने मेरे लिए समझ रहे इसलिए दाऊद सिद्धता दे वल हुंदा होया अपने जीवन नू रोज लिखिया परमेश्वर को लेके जांदा सी और बोलदा सी कि मैनू पर किते वीक समझदे किते मेरे जीवन च कोई पैड़ी टिड्डी चाल तो नहीं आ गई समझदे जो तुसीं भी इदां अगर तुसीं सिद्ध होना है तुसीं रोज अपने मन नू किते को लेके जाओगे और किन्नू बोलोगे अगर तुहाडे कोल प्रेर नहीं हुंदी तो तुसीं आओगे मिलोगे हां जी दसो जी ऐ प्रॉब्लम है मेरी हो नहीं रही
जा मैं चीज मेरा काम या मेरा बन नहीं पा रहा संदसो सिक्की करिए समझ जो तुम समझ जाओगे और उदा करोगे जिदा कौन चाहता है और आसानी दे नाल की हो जाने का थोड़े जीवन तो पूरे हो जाने का औखा कुछ भी नहीं है परमेश्वर ने कहा मेरे हुक्म औखे नहीं है पर हुंदे नहीं है मेरे हुक्म औखे नहीं है पर हुंदे नहीं इंसान दे कोल वो कर नहीं पाता क्योंकि सिद्ध नहीं है समझे इसलिए सिद्ध व्यक्ति स्वतंत्रता दी असी भी जकूब की पत्री चवेंगे सिद्ध व्यक्ति की करता है एक दी पच्ची इतने लिखिया जकूब की पत्री एक दी पच्ची च लिखिया पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है समझते हो सिद्ध व्यक्ति की करता स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था ते रात दिन की करता मतलब सिद्ध व्यवस्था समझे स्वतंत्रता दी क्योंकि अज सानू आजादी मिली है किदे नाम विच बोलो किदे नाम च मिली है लिखा ये आजादी सिर्फ साडे शरीर दे कम्मां दा अवसर ना बन जाए समझे इसलिए कहना तेनू मसीह विच उधार प्राप्त करन दे नाल की बना सकता है बुद्धिमान बना सकता है समझे तो जो स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था क्योंकि अज असी उस पाप तो आजाद हाँ सानू आजादी मिली है किन्नियां नू पता है किन्नियां नू पता है इस गल दा क्योंकि असी सारे एक दिन जिन्हें भी असी हैं मैं भी असी पाप दे वश वश विच सी बोलो की सी असी पाप दे वश विच सी और अपने कुराहे चलदे सी अपने राहां ते अपने राह बनाए सी समझ गूंगियां मूर्तियां वांग वो सानू जिवें चाहुंदा सी वो चलांदा सी कौन डैवल शैतान समझ लिखियो गूंगियां मूर्तियां वांग सानू चलांदा सी अज परमेश्वर कहिंदे आ पर अनजान ना रहो आत्मिक मेरियां चीजां तो की ना रहो अनजान ना रहो तो जो स्वतंत्रता दी सिद्ध अवस्था ते की करेगा रात दिन की करेगा ध्यान करेगा लिखे इसलिए वो शीश पाएगा कि वो सुन के भुलदा नहीं समझ जो भुल रहा है कि मेरा रोल की है मैं करना की है अगर प्रभु ने मैनू अपने कोल बुलाया है प्रभु ने मैनू अपने कोल बुलाया है इसे लिखे प्रयत्न करने में चाल सी ना हो हर कम कोशिश नाल होएगा बिना कोशिश तो कुछ नहीं होएगा शरीर कदी नहीं चाहेगा लिखिया आत्मा शरीर दे विरुद्ध और शरीर आत्मा दे विरुद्ध है और ये दोवें एक दूजे दे विरोधी ने बच्चे नू पिछे खड़े की कर रहे हो सब तुहानू पता नहीं लग रहा की हो रहा पिछे अरे पिछे की जा रहे हो तुहाडे सामने इत्थे है कि बच्चा वो डिस्टर्बिंग हुंदी है वो भी बच्चे वाले भी ऐसे ने और आप भी कमाल दे बंदे हो तुसी अरे उन्हूं डिस्टर्बिंग है लोग बंद करो दी सिटी नू उस चीज नू खो ना जाओ ज्यादा सब चीज साइड वल ध्यान रखो समझ आ रही तो स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था ते जो रात दिन की करेगा लिखिया ध्यान करेगा वो इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुन के भुलदा नहीं समझने क्योंकि असी आशीष दे वारस ठहरे हैं सानू किन्ने आशीष दे वारस ठहरा है बोलो किन्ने किन्ने वारस ठहरा है सानू बोलो किन्ने वारस ठहरा है समझने परमेश्वर ने सानू वारस ठहरा है समझने जो अब्राहम नू जदों परमेश्वर ने आशीष दित्ती तो
उन्हें कहा जो तेनू आशीष देगा वो उन्हें आशीष मिलेगी, जो तेनू शराप देगा वो श्रापित होएगा। समझे? अगर लोग सानू कुछ बुरा भला भी कह रहे हैं, कोई श्राप दे रहा, उदा श्राप उदे ते आ रहा, क्योंकि असीं किहदे वारस ठह रहे हैं? आशीष ते वारस ठह रहे हैं, सानू परमेश्वर ने आशीष ते वारस ठहरा है। अगर सानू कोई बुला पर बुला उन्हें बुरा भला भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा, और असीं आशीष दे वारस हैं, साडे उत्ते कुछ नहीं है। जिवें लोग जादू टूना करते ने, करते हैं ना, करते हैं ना, तनु प्रभु ने कहा कोई यार भी प्यादे तावी तनु कुछ, पर जे सिद्ध नहीं है। मैं कल परसों इत्थे साडे इत्थे कल शायद आए नहीं हो, उन्होंने नूर राणी एक बेटी प्रभु ने उन्होंने दिती है, बेबी पहला बच्चा हो, तो इन्हों के घर कोई आ गया कोई, और उन्हें केंद्र एक रख पाई हुई सी। सुनो ध्यान नाल, की पाई हुई है? रख पाई है। और वो घर आ गया, क्योंकि जिवें सूतक बोलते हैं ना, बच्चा है तो कोई आवे ना, समझने हो? तो आ गए, और वो बच्ची उस दिन दी कह रहे है, रो रहे है और बिंबार है, और चुप नहीं करती, क्योंकि सिद्ध 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 नहीं ना जी, पता नहीं है। बोलो, सिद्ध व्यक्ति है तो वो जानता है, पर जो नहीं है वो नहीं पता। तो बोलिया कि मैं उन्होंने समझाया, क्योंकि इसलिए लिखिया समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा लिए लाभदायक है जीवन साडा। समझे? जो मैं समझाया कि एक रख की है, कोई दस चाहे सौ भी पाके आ जाए, पर तुहाडा भरोसा की देते हैं वचन तो दादा, तुहानू कोई यार भी पिला दे तां भी कुछ नहीं होएगा। तो रख तो दूर की गल है, रख तो सुतक हो जाता ना बंदा, सिले विच बोल दे अगर कोई रख पा के आ गया तो सुतक हो जाएगा। समझे? मेरे बेटा जो, तो मेरा बेटा है तो वो सिर ते बन जाएगा ना, जो लोग पता नहीं कितने जाते हैं लवान, क्योंकि असी सानू लिखे स्वतंत्रता की सिद्ध अवस्था, क्योंकि सानू आजाद किया प्रभु ने। तो मैं उन्होंने कट के तो डस्टबीन च कूड़े च पाता। समझे? पर लोगों संसार विच की, पर जे हैगा आ, तो अगर उन्होंने सोच उदा दी आ, तो फिर वो काम भी उदा ही होंगे। बोलो, जैसा डर जैसा मन का ज्ञान आ, और ज्ञान बिना प्रभु ने कहा मेरी प्रजा नाश हो। समझे? संसार का डर, अज मैं वेख्या संसार दीयां चीज़ां का डर ज़्यादा आ, पर जिस परमेश्वर ने इस कायनात नू रचिया उदा इंसान डर दुनिया का। एक बिल्ली जिवें एक रस्ता कटदी है, उन्होंने उस जीव को किन्ने बनाया, क्योंकि इतने लिखा छे दिन सारा कुछ बनाया है ना। समझे? एक जीव का छोटी जी का डर रखते हो, पर उस परमेश्वर का डर नहीं रखते कि वह सानू की कह रहा, असं उसकी इच्छा पूरा करना, वो नहीं रुक जो कोई और लंघेगा वह नुकसान हो, क्योंकि अपने जीवन के लिए असं बड़े सियाणे हैं बंदा। समझे? दुनियादारी का उन्होंने नियमों का पता है सारा किस तरह करना है, पर परमेश्वर के नियमों का वो पता नहीं लगाना चाहता। समझ रहे हो? उदा भी डर रखो। समझ? इसलिए कई बंदे जो सिर तो पानी जिवें कहिंदे ना निकल जाता है, फिर आते ने। कल परसों इत्थे साडे बैठे ने भाई जी, उन्होंने रिश्तेदार से इत्थे एक दो वारी आए ने, उस पैन दियां गैंठिए दे नाल कुंड मुड़े से, इस तरह जा तो रही सी वो, मतलब और जगह ते संगति तो कर दी, पर वो समझ नहीं पाई कि प्रभु की चाहता है, उसकी इच्छा की। असं उन्हें समझाया, उन्होंने कम से कम इतने दो या तीन संगति अटेंड की, हीलिंग हुई और ग्रहण किया। जिवें जो मैं हीलिंग करता है, मतलब चंगियाई दे लई बोलदा, कईआं नूं पता नहीं है, वह कई बेचारे बोलते ये शायद उदा ही। समझ? कईआं नूं ये भी समझ नहीं है, क्योंकि सिद्ध नहीं है। अगर सिद्ध आ तो बोले यस यस हाँ मेरे। समझ? यस हो गया मेरे लिए। तो प्रभु ने चंगा किया, पर ओदी मर्जी नू नहीं वो समझ पाए की मर्जी ओदी। समझ? कल उन्होंने शायद सोरा साहब सी उदा पैन दा ओदी ब्लॉक होगी नाड़, और
मतलब हूँ साह चल रहे ने खाली, हूँ फोन आ रहे हैं कि नहीं तुसी आओ, तुसी आओ, क्या आओ तुसी, तुसी आओ। पर ही जानते हैं कि परमेश्वर तो मुर्दे नूं भी जिंदा करने की रखता है, पर पहला मन तैयार नहीं तो हूँ समझ गया किस तरह आया, क्योंकि पहले ही चाल उस तरह की चली है, पहले ही चाल उस तरह की चली है। तो जानते हैं कि परमेश्वर मुर्दे नूं भी की करन दी रखता है, जिंदा करन दी ताकत रखता है। और देखना तुसी, देखना तुसी तुहाडे तों, तुहाडे जीवन तों भी और औरां दे जीवन तों भी परमेश्वर ऐसी प्यास ऐसी चाहत नूं प्रगट करेगा जो इन्ना उन्हां दा मन होएगा अगण के तुसी बोलो सानूं विश्वास या होएगा। तो बोलो बस तुसी कोई गल नहीं, विश्वास या होएगा। यीशु मसीह क्यों अन्ने कोड़ी सब नूं क्यों पुछदा है तेनूं विश्वास या मैं चंगा कर सकदा है, बोले यस हाँ विश्वास किया सानूं, सानूं विश्वास या तुसी कर सकदे हो। अज तुहानूं तुसी किहदे ते विश्वास करदे हो, तुसी सारे किहदे ते विश्वास करदे हो, किहदे ते? क्योंकि मैं तो डेली क्रूस ते नहीं मरिया, कौन मरिया? तुहानूं जीवन किन्ने दिता है समझदिया? तो मैं किहदियां गल्लां दसदा है, तुसी जो मैं दसदा ओहदियां गल्लां दा विश्वास करो, जो मैं बोलदा उन्हां दा विश्वास करो, समझदे? इसलिए फिर देखो संसार दा डर अज इंसान ज्यादा रखता है, और कभी इंसान जो सिरों पानी लंघदा है फिर वह बोलता है, फिर उन्हों फिर उन्हों अगर मैं 5 बजे भी टाइम देव ना, चाहे किदा का भी मौसम है, 5 बजे पहुंचना पे फिर आ जाओ, कोई नहीं मैं 5 बजे मिलागा, मैं 6 बजे जाना, वह 5 बजे भी पहुंचेगा। सच्ची कहना जो सिरों पानी लंघिया होएगा ना, यहोजे व्यक्ति जेडे राती 12-12 1-1 बजे भी आए हैं, होर दसो। इसी लिखे जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था से ध्यान करता इस जीवन के लिए, समझे? सब तो ज्यादा परमेश्वर ने की क्या, अपने मन की चौकसी कर, इस जीवन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन दारा कितों निकल दया है, इस मन तो निकल दिया, इस जीवन तो निकल दया, अगर चौकसी नहीं की बेपरवाह है कोई गल नहीं, पर जो आँदी है फिर फिर रात के 12 बजे 5 बजे भी आना तो तैयार है, समझ लिया फिर तैयार है। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सन दसो जी असी करते हैं। मैं बहुत सारे इस तरह फिर आते ने टाइम ते पता नहीं कैसे व्यक्ति कैसा इंसान है वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए परमेश्वर क्या मेरा वचन की है उन्होंने लिए उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता दे लई लाभदायक उन्हां दे लई है, पर वो जे बनाना चाहते ने अपने जीवन च समझने। कल परसों परसों की गल नहीं बुधवार की शायद एक स्त्री आई जिदे हाँ तुहानू पता मजिठे वाले नूं औरत नूं की प्रॉब्लम हो गई सी, तुहानू उन्हां दस्या ही की प्रॉब्लम सी उन्हां दी? की प्रॉब्लम सी बोलो जल्दी जल्दी हेलो। तो प्रेर जी उन्होंने दस्या सीगा कि मेरी एक साइड ते ब्रेस्ट विच बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदी आ, और डॉक्टर ने बोलिया वा अगर तुसी इहदा इलाज ना करवाया तुहाडी डैथ भी हो सकती है। देखो तुहाडी ब्रेस्ट विच दर्द रहिंदी आ ते अगर क्या सीगा कि कैंसर भी बन सकती है, कैंसर भी बन सकती और की हो सकती तुहाडी डैथ मतलब मौत भी हो सकती है, समझने? जो सिद्ध बंदा नहीं है उन्हें यह नहीं पता कि मेरी मौत हो जाएगी, ज्ञान बिना प्रजा की हो रही है नाश हो रही, समझने? डॉक्टर ने उन्हें कहा तेरी डैथ मौत हो जाएगी, और थोड़े दिन पहला मिलके गए और मैं समझाया, समझने? मैं उन्हें दसिया कि शायद ट्यूसडे मंगलवार आए, और मैं बोलिया कि वीरवार भी संगति है जो आना चाहते तो आ जाओ, बोले नहीं वीरवार तो नहीं आना फिर संडे आवेंगे। की आवेंगे? असी संडे आवेंगे, इतवार नूं आवेंगे, पर अज भी नहीं आई।
बोलो इसीलिए बोलो कि यह प्रॉब्लम कितने आई थी है? क्योंकि इंसान अजी तैयार नहीं, समझ रहे हो। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी डेथ मौत हो सकती है पर सड़ाहट आ अपनी काम कार दी अपनी दुनी इस जीवन की चिंता नहीं जावांगे नहीं, पर जो सिरों पानी लंघदा आ फिर जो कुछ नहीं होने वाला फिर आखन के हाँ जी हुण दसो जी की करिए, समझ रहे। तो जरूरी है कि सिरों पानी लंघना फिर उस चीज़ को अपने जीवन च लैना, पहला तो ही चौकस रहो, वचन तो लिखा चौकस रहो क्योंकि शैतान तुहानू सीध दे बुक वांगू फाड़न दे लई की है तैयार है। बोलो की आऊं सीधे बुक वांगू फाड़न दे लई तैयार है। दृढ़ हो अपने विश्वास विच, दृढ़ हो मजबूत हो और किदा सामना करो, किदा सामना करो, समझ। और सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो सिद्ध है, उन्हें पता मैं की करना मेरा रोल की है, समझे। वही व्यक्ति करेगा ना, दूसरा तो नहीं करता। जो शरीर विच है वो नहीं करेगा, वो तो जो उदा दिल करता वो ही करेगा, समझे समझे। इसलिए सिद्ध व्यक्ति लिखा रात दिन ध्यान करेगा और भुलेगा नहीं, बोलो भुलेगा, भुलेगा नहीं। जिहड़ी चीज असी बाद विच करदे आ असी पहला करिए, समझ असी की करिए पहला करिए, जो खुदा दे अनुग्रह ते प्रेम विच बनाई रखते ने, की रखते ने, बनाई रखते ने अपने आप नूं, मौत भी उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। आमेन। मैं क्या मौत भी उन्हां दा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। खुदा दी प्रतिज्ञा वादा है अपने लोगों नाल, मौत भी तुहाडा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। होर दसो क्योंकि तुसी मौत ते फतेह पाए जिवें प्रभु यीशु मसीह ने मौत ते फतेह पाई, समझ। जिवें शद्रक मेशक अबेदनगो, समझ। सिद्ध सिद्ध बंदे प्रभु की इच्छा नूं पूरा करने वाले, समझ। उन्हें दे सामने एक एक दिन उन्हें दे सन्मुख हालात आया कि इस मूर्ति अगे चुको और नहीं कम किया उन्होंने, और बोलिया तेन पट्ठी बल दी पट्ठी भी सुटिया जाएगा, बोलिया भी कोई प्रवाह, पर असं ये पाप नहीं करांगे, बोलो असं ये पाप नहीं करांगे। इत इंसान के सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो फिर भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार। उन्होंने सामने एक मौत है अग की पट्ठी की, फिर भी वो चीज कर नहीं रहे और किदी इच्छा पूरी कर रहे हैं, बोलो किदी इच्छा पूरी कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, समझ रहे हो। अच्छा असी भी किदी इच्छा नूं पूरा करना है, फिर जो तुसीं सोचिया नहीं है वो कौन करेगा, बोलो कौन करेगा। जो तुहाडे मन दे चित्त विच भी नहीं है, तुसीं सोचिया तक नहीं है, इस तरह हो सकता है, इस तरह होएगा, फिर परमेश्वर करेगा। कौन करेगा तुहाडे लई, करेगा। और वो तैयार है, अज भी तैयार है, बोलो कि अज भी अगर तुसी अपने आप नूं तैयार कर दे हो उहदी इच्छा नूं पूरा करन दे लई, अपने आप नूं तैयार कर रहे हो और तैयार वही करेगा जो व्यक्ति रात दिन की करेगा, ध्यान करेगा उहदियां गल्लां च और जिएगा किहदे लई, उस परमेश्वर दे। मैं नहीं कहिंदा कि मुश्किल परेशानी नहीं आएगी, हालात नहीं आएगा, आएगा पर रहेगा नहीं, आएगा पर रहेगा। पर मैं जीवन दे जीवन च बहुत सारियां लुटियां आंदियां ने, पर एक भी उहदा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये परमेश्वर दा वादा है अपने लोगों नाल, और अज अपने लोगों नूं उस सिद्धता च लैके आना चाहता है कि मेरी जब तक तुसी उस चीज़ा नूं पूरी तरह नहीं करोगे सिद्ध नहीं बनोगे, करने वाले नहीं बनोगे। ठीक है ना, सिद्ध करने वाले यीशु दी वाल तकदे रहो क्योंकि उन्हें उन्हें सब कुछ अपने जीवन तो करके विखाया, विखाया कि नहीं, दुश्मन नूं प्यार किया,
कुड़ी नूं भी गल लाया, बुरा भला क्या, फिर भी उन्होंने जिन्होंने अपमान किया बुरा क्या, आशीष दी उन्होंने, समझ उन्हों का पला मंगया किता कि नहीं किया, सारा कुछ उन्हें अज तुम भी करोगे जिवें यीशु मसीह अति महान किया गया, इस तरह तुम भी उच्चे किए जाओगे संसार च। आमेन बोलो, सेम इस तरह तुम उच्चे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम च, समझने और तुम चुने गए हो उच्चे होने के लिए, तुम प्रभु ने चुने उच्चे होने के लिए, क्योंकि तुहाडा सिर कौन है, तुहाडा मुकट यीशु है, समझने, इस करके जियो, खूब जियो इस मंच, इसलिए दुनिया का जिवें डर रखते हो परमेश्वर का भी रखो, समझने, दुनिया का तुहाडे अंदर किन्ना डर है, और उस खुदा का जो तुहानू कह रहा इदा करो इस तरह करो इदा चलो इदा करो, डर नहीं है, एक सूतक वाले का डर है, एक कोई और कुछ है, कोई आ रहा है कुछ भी है, समझने, अगर कोई जादू टूने वाली गल है अगर कुछ हो गया है वो बोले तुम्हें पता वो बंदा इदा का वह डर ज्यादा है और उस परमेश्वर का घट है, समझने, लिखिया जिस तो डरना चाहिए उस तो डरो, जिदा आदर करना चाहिए वह आदर करो, जिस तो डरना चाहिए है वह तो डरो और जिदा आदर करना वह आदर करो, समझ रहे हो, इसलिए वो महान है सर्वशक्तिमान है पर उपलाया बोलो किया हूं उपलाया, समझने, वो दुनियादारी वर्गा नहीं है इस तरह कि तुम इस तरह करो तो करेगा, इस समय आजाद इच्छा दी प्रभु ने, स्वतंत्र इच्छा आजाद इच्छा दी, पर जो नहीं भुलदा वह शीश इसे लिए पाता है, समझ रहे हो, तुसी वो काम करने हैं जेड़ा है तुहाडे जीवन तो कौन चाहता, कौन चाहता है कि तैयार हो अज कि मैं आम व्यक्ति बनना के सिद्ध व्यक्ति बनना है, बोलो आम व्यक्ति बनना के सिद्ध बनना है, आम गल्लां नूं लैणा के खास गल्लां नूं लैणियां है जिहड़ियां प्रभु ने अपने लोकां लई रखियां ने, समझदे हो, समझदे हो, मैं पिछले दिन ही पवित्र आत्मा दे दान बारे तुहानूं दस्सिया सी, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जो लोग नहीं पाए किन्ने ने, असी उन मीटिंग की थी सी उस दिन बहुत सारे सी, समझ पर जो आए उन्हें चुप जेडे आए विश्वास नाल चाहत नाल, ये नहीं है कि वह पाए नहीं, उन्होंने पाए उस चीज नूं भी पाया जो दुनिया की संपत्ति नालों कितने ज्यादा कीमती है, बोलो कि दुनिया की संपत्ति नालों भी ज्यादा वो कीमती चीज है, जो विश्वास नाल आए वो लेके भी गए, इस तरह नहीं वो खाली गए, अगर तुम विश्वास नाल आंदे हो तो तुम खाली नहीं जाते, तुम सेम नहीं जाते, तुम हर वारी जो प्रभु की हजूरी चाहे संडे या चाहे वीरवार है, अगर तुम विश्वास नाल आत्मा नाल परे आ रहे हो तो तुम सेम नहीं जाते, क्योंकि तुहाडे मन नूं कौन वेखता है, बोलो कौन वेखता कौन जानता, अगर तुम विश्वास नाल परे आ रहे हो तो तुम सेम नहीं जाओगे, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वादा है अपने लोगों नाल, समझ क्योंकि तुसी किदी पाक हजूरी विच आंदे हो, समझ, इसलिए परमेश्वर तुहाडी सुनदा है और तुहाडे जीवन च अपनी इच्छा नूं की करदा पूरिया करदा, इसलिए आओ इन्हां सब गल्लां दे लई असी अपने मन नूं परमेश्वर कोल लैके जावांगे, सब अपने हत्थां नूं उठाओ और इन्हां वचनां दे लई अंगीकार करो, एक अच्छा अंगीकार, एक अच्छा अंगीकार, क्योंकि साढ़े जीवन का एक अंगीकार साढ़े जीवन च सब कुछ चीज़ों पैदा कर सकता है, एक अच्छा अंगीकार दे राही असी सब कुछ परमेश्वर तो प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन च पा सकते हैं, असी बहुत अगे जा सकते हैं उस अच्छे अंगीकार नाल, अज करो कि मैं आम व्यक्ति नहीं प्रभु सिद्ध व्यक्ति बनना है, मैं आम व्यक्ति नहीं मैं सिद्ध व्यक्ति बनना है जिसते विच प्रभु तू खुश होना है, मैं वो काम करने हैं जिहड़े तेनू पसंद है, मैं वो काम करने परमेश्वर जिहड़े तेनू पसंद है, क्योंकि मैं तेरी इच्छा तेरी दिलई मैं बुलाई गई बुलाया गया, मेरे परमेश्वर आज तेरी इच्छा मेरे जीवन तो प्रकट होए, जड़िया गलों की मैनू समझ नहीं आती अज तो मैं समझ पाव चल पाव मेरे प्रभु,
तेरी हर आज्ञा नू अपने जीवन तो मैं पूरा कर पावा। और तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा कर चुका अतरा अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़े, अतरा अनुग्रह बढ़े, तेरा प्रेम बढ़े, आसे मैं सिद्धता की ओर बढ़ू, सिद्धता की बातों की ओर बढ़ू। मेरे परमेश्वर मैं उन बातों पर ध्यान लगाऊं जो तूने मुझे मेरे जीवन में करने के लिए रखी है। मेरे परमेश्वर जो करने के लिए रखी है, मेरे परमेश्वर जो करने के लिए रखी है। और भी अपनी आवाज को ऊंचा करो, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने हाथों को उठाते हुए और भी ऊंचे से, दिल से, रूह से मन को खोलो उस खुदा के आगे। दिल से आज खोलो उस खुदा के आगे। मैं आम व्यक्ति नहीं, मैं प्रभु तेरी खास बनना चाहता हूं। आज मैं वो करना चाहता हूं हे परमेश्वर जो तू चाहता है। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से, जिन बातों से, जिन्हें गल्लां च मैं अधूरी है, मैं अधूरा है मेरे जीवन, मेरे परमेश्वर च मैं पूरा हो पावा। पूरा करण दे ले मेरे परमेश्वर, मैं अपने मन नु सिद्धता दी की और लेकर जाऊंगा। रिखा बारिश का बाबा, रिहो सा बाबा बाबा, रिपोनो सक्रिया ला रिश का बाबा। मांगो मांगो उसके अनुग्रह को, मांगो उसके अनुग्रह को, मांगो उसके प्रेम प्रेम को मांगो मेरे परमेश्वर। मांगो उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह, उसकी कृपा को कि खुदा मैं तेरी बातों को समझ कर मैं बहुत आगे बढ़ पाऊं। हरी बात सखा बाबा रही ढीला बाबा ऋष दिसन रोहूरी सखा बाबा ढीले रही शाखा बाबा, जो तूने मेरे जीवन में स्वर्ग से आशीष मेरे जीवन के लिए रखी, मैं उसको प्राप्त कर पाऊं, अपने जीवन में प्रकट कर पाऊं। ऐ मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बढ़े, तेरा प्रेम बढ़े। रिसा पापा परिशका लिहो रिसक्रो रिसका बाबा पा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो खुदा, अपने लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह प्रकट कर चुके हो मेरे खुदा, मेरे पिता। आज सब जितने भी आए खुदा तेरे नाम से ब्लेस हो जाएं, आशीष हो जाएं खुदा, ये रूह की बातों से, उन गल्लां दे नाल परजन मेरे परमेश्वर, आज परजन मेरे खुदा, आज तेरे प्रेम से जे भर जाएं खुदा। आइए वो करें जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर, आज से वही ये वो करें जो खुदा तू चाहता है। धन्यवाद ईश्वर। ऐसा हो चुका तेरे नाम से, आमीन। और कितने लोग विश्वास कर देने कि आज मैं वो काम करना है, मैं आम बनना के खास बनना है, और खास बंदे ले तनु किदिया गलन पूरा करना पाएगा। बोलो कि गलत, अपने पुराने जीवन दी पुरानी इंसानियत नु तुहानू लाना पएगा। समझे जो पहला करदे परमेश्वर कहते हुण ना करो। समझे अज कि स्वभाव दे सहभागी हो जाओ, अज जो काम करो जो कौन चाहता है। समझ रहे हो, खुदा ने हर आशीष तुहाडे लई तैयार रखी है। मैं कह रहा हर चीज तुहाडे लई तैयार है। क्यों क्या नहीं कि उदार प्राप्त करन विच मसीह भी तेनु बुद्धिमान बना सके, क्योंकि उदार एक सामर्थ्य ताकत है। उदार ओही है जो विश्वास नाल प्रभु दीआं गल्लां नू की करते हैं, पूरा करते हैं। समझ रहे, अरे कर नहीं रहे कि साढ़े विश्वास करन दा कोई फायदा भी, उस क्रूस उत्ते यीशु मसीह ने अपना जीवन दिता कोई फायदा नहीं।
अगर असी विश्वास करने का मतलब ही है कि असी उसकी इच्छा नू की कर रहे हैं पूरा कर, अगर कर नहीं रहे तो अजे असी विश्वास किया नहीं, बोलो कि नहीं किया, अजे फिर किया नहीं, अगर कर रहे हैं तो हाँ असी विश्वास किया, अगर असी नहीं कर रहे तो फिर अजे विश्वास नहीं असी किया, अजे असी फिर संपूर्ण नहीं, अजे पूरे नहीं होए उस यीशु विच, अजे अद्धे हैं, जे असी सब कुछ कर रहे उस तरह जिदा कौन चाहता है तो असी पूरे हो रहे हैं, समझ रहे आ रही है, फिर देखो तुहाडा जीवन किवें चमकदार हुंदा, बोलो कहिंदा यहोवा नू अपने सुख दा मूल जान, वही तेरे मनोरथ तेरे मन दीआं सारीआं इच्छावां नू कौन पूरा करे, वो तेरे जीवन नू दुपहर दे उस्याले वांग बनाए, समझे, जिवें एक रात दा चानणे आ एक दिन दा, पर ज्यादा तेज कहड़ा है, ज्यादा तेज कहड़ा है दिन दा, तुहाडा जीवन परमेश्वर ने कहा मैं इदां दा बना दांगा पर जे तुसीं मैनूं चाहुंदे, समझ रहे हो, आओ असीं अपने बीस नूं अपने हत्थां विच लवांगे और वी एक पवित्र नियम आ, बोलो की है, एक पवित्र नियम आ, जो इंसान सिद्ध नहीं है वह नहीं कर पाएगा, बोलो की है, एक पवित्र नियम है, जिवें परमेश्वर पवित्र आ उहदा वचन पवित्र आ, क्योंकि नियम भी किहदे वचन च लिखिया है, मेरा अपना नहीं बनाया, तुहाडी ब्लैसिंग दे लई, तुहाडी आशीष दे लई, तुहाडी जीवन नूं उन्नति करन दे लई है, समझ लिया, कदी नहीं कटेगा, फिर तुहाडा कदी नहीं कटेगा, जिवें विधवा नूं आखिया, समझदे आ, विधवा नूं एली ने एलिजा ने कहा कि अगर तू मैनू रोटी, उन्हें मेरे को उन्हें कहा तेरे को की है, तो कह रहे अगर तू मैनू खिलाएंगी तो तेरी ना कभी कुप्पी चो तेल ते ना तेरी मुट्ठी का आटा कटेगा, कभी नहीं कटेगा, पर जे तू मेरे लिए करेंगी, मतलब ये नहीं है खिलान का नहीं है, मतलब सी कि गल नू पूरा करन दा सी, समझ रहे हो, अज मतलब है ऐसे किसी गल नू पूरा करिए, किसी इच्छा नू पूरा करिए, समझ लिया, इसलिए लिखिया गल ए आ जो जिन्ना बोंदा उन्ना ही कटदा है, और वो भी कौन पाउंदा है, जो शरीर विच है वो नहीं, जो सिद्ध है, बोलो की आ, जो इंसान सिद्ध है वो ही कर पाउंदा, जो सिद्ध नहीं है वो नहीं है, क्योंकि उहदा मन अजे कित्थे आ, इस दे उत्ते, पर जिहड़ा सिद्ध व्यक्ति है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था से ध्यान कर रहा है, वह मन इतने नहीं, वह मन उत्ते है, वह जानता कि वह मेरे लिए कितना करेगा और बहुत करेगा, किन्ने विश्वास करते हैं कि मेरे लिए बहुत सारा करेगा, मेरे जीवन दिया सारिया कमिया कटिया की करेगा, वो पूरा करेगा, करेगा कि नहीं, क्योंकि सानू जीवन लिखा साडा छुटकारा सोने चांदी बहमुल्य वस्तुओं के नाल नहीं होया, यीशु दे निशलंक मेमना उहदे लहू दे द्वारा होया, साडा छुटकारा किदे द्वारा आया, यीशु दे लहू, समझ नाल होया छुटकारा, इन्हें तुहानू छुटकारा दिता, ये तो लोग लखां ला के भी आते ने तो फिर भी नहीं गल बनती, फिर भी कौन करता है, समझ, इसलिए आओ अपने बीस नूं हत्थां विच लो, अपने हत्थां नूं अखां बंद करो, बोलो परमेश्वर अज ताए बीस जो तेरे भले कम्मां ते तेरियां रूहां नूं बचाउण दे लई खर्च किया जाता है, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर तू मैनूं बहुत सारा बोन वाला मन दे चुके हो, ताकि खुदा तेरे वचन अनुसार तेरी पवित्रताई अनुसार मैं बो पावां और बहुत सारा कट पावां, मैं बो पावां मेरे परमेश्वर और कट पावां, और कटन दे लई मैनूं आत्मिक बनना पएगा, मेरे परमेश्वर में आ शरीर नहीं है, मैं आत्मा च हाँ, क्योंकि तू मैनु जीवन देता है, इसलिए मेरे परमेश्वर ये मैं अपने लिए नहीं तेरे उस ये अपनी आशीष के लिए तेरे उस प्रेम के लिए बो रही हाँ जो तू पहला किया, और मैं जानती हूँ जानता तू लैन वाला नहीं है, तू देने वाला परमेश्वर, पर तू मना नु देखता है,
और जो लोग इंसान मन तो कर देने तू जानदा मेरे परमेश्वर तू उन्हें चौगना करके देने वाला परमेश्वर तू आज भी मेरे लिए ऐसा कर चुका है आमीन। और सुनो एक चीज जो सिद्ध व्यक्ति नहीं ना उन्हें भावे सौ वरी भी एक गल नियम दस दो उन्हें नहीं करना है सच्ची गल कहना बोलो सौ वरी भी उन्होंने दस दो भी है भाई तेरी फाइनेंशियल उन्नति है कर है ना कोई भी चीज है कर दिल ही इदा है अगर उन्हें समझाया जाए अगर सुन के तुरंत कर दया तो लिखे बुद्धिमान समझ इसलिए खुदा तो साथ है क्योंकि तुसी संसार की सड़ाहट ते नहीं किदे ते मन लाना है उस परमेश्वर ते और उदियां गल्लां ते आओ असी अपने बीच नूं बोंदे होए खुदा दी एक वर्शिप राही इस आराधना नूं गावांगे प्रभु दे प्रेम दे लई शफिया ओ मेरे शफिया
शफिया मेरे शफिया जिंदगी नो संभाल
शफिया ओ मेरे शफिया ओ मेरे शफिया ओ मेरे शफिया शफिया ओ मेरे शफिया शफिया ओ मेरे शफिया शफिया ओ मेरे शफिया सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे से सब अस खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे कितने लोग चोंदे ने की को दादा बात शार्प करो थोड़ी कितने लोग चोंदे ने की अच्छी खुदा अपने अनुग्रह ने मेरे जीवन ते प्रकट करे अपने हथा उठा के एक प्रार्थना करो अपने मन में फिराओ संसार की सड़ाहट तो जो बुरी अभिलाषा तो पैदा होंगी है जो साढ़े जीवन च हालात बीमारियां पैदा कर दिया दुखा पैदा कर दी कलेशा अपने मन में फिराओ उस तो फिराओ अपने मन उस तो फिराओ सारे और एक अच्छी बुद्धि दे ले उस अच्छे प्रेम दे ले खुदा दे कुलो मंगो उस प्रेम नु मंगो मंगो खुदा दे उस प्रेम नु उस समझ नु मंगो अच्छा चाहत करो अपनी अपनी बीमारी दे ली अपनी अपनी प्रॉब्लम दे ली चाहत करो इस समय कि मेरे परमेश्वर तू आज भी अपने दास ते द्वारा मैंने छड़ाएगा आजाद करेगा अपनी अपनी अपने मन नु फिरा के सब तो पहला सड़ाहट तो संसार ते तो अपने उस पाप तो जिस दे कारण इंसान दे जीवन च बीमारी हालात पैदा कर दिए फिर आओ अपने मन नु और विश्वास करो मंगो कि मेरे परमेश्वर अज भी तू अपने दास दे द्वारा मेरे जीवन दी हरेक कमजोरी दे बंधना नु तोड़ेगा आजाद करेगा मेरे परमेश्वर तू अनुग्रह दा दाता है तू मेरी आशा दा दाता है अपने मन नु अपने हृदय नु खोलो 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 अपने हृदय को अपने मन को खोलो मेरे प्रभु जिवें तेरा दास दाऊद आखदा कि जिन्निया ने उन्नू तकिया जिवें मैनू मेरे परमेश्वर ने वो कहिंदा मैनू सारियां पैजलां तो छुड़ाया जिन्ना होरां ने भी उन्नू तकिया उन्होंने मूँह कदे काले नहीं होणगे लचित नहीं होणगे परमेश्वर तू मैनू शर्मिंदा नहीं होण देगा अगर तू मैनू अपने कोल बुलाया तो निश्चय मेरे जीवन च अपनी इच्छा पूरा करेगा और अज भी करेगा अज भी मेरे परमेश्वर करेगा अज भी करेगा सब प्रार्थना चाहो सब प्रार्थना में जाई अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाई जो गैर भाषा करते हो गैर भाषा में प्रार्थना करें मेरी और किसी ने नहीं देखना अपने मन को सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाओ मेरी और नहीं अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ आपके पेट की बीमारियां मैंने बोला अभी आप पेट की बीमारी से फ्री हो जाओ अभी इसी समय आपका पेट का रोग आपको छोड़कर जा रहा है अरे बस सचोरिया संगल शंभो बोरी संभा अपनी आंखों पे हाथ रखो अपनी आंखों के हाथ रखो अपनी आंखों पे और बोलो कहीं बोलो आप खुद बोलो अपनी आंखों पे हाथ रखे बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं हे डेवल हे शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है
मैं आज से फ्री हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मैं आजाद हूँ, मैं उसके लहू से खरीदी गई हूँ, खरीदा गया। मेरे जीवन में डेविल तेरा कोई अधिकार नहीं है। नाउ दिस टाइम बी फ्री। मैं चंगा करता हूँ आंखों के रोगी को यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ। मैंने बोला आज चंगे हो जाओ, जितने भी आंखों के रोगी हैं वो चंगे हो जाओ। आपका आंखों का मोतिया, आपका आंखों का मोतिया यीशु मसीह के नाम से निकले, छोड़े और जाए। हर अंधकार की आत्मा, हर अंधकार की आत्मा जो आपके बदन में बैठी, मैं कमांड करता हूं ऐसी आत्मा को जो आपके जिस्म में बैठी है, बीमारी को, हालात को पैदा करने वाली ऐसी आत्माएं, छोड़े 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 और जाए, छोड़े और जाए। आंखों के रोगी आज सब अच्छे हो रहे हैं। दीपा संग्रोलिया बाबा ऋषभ बाबा, गले के रोगी भी आजाद हो जाएं, जिनके गले में प्रॉब्लम है, थायराइड के रोगी, गले के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, ये आजाद हो जाएं, चंगे 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 हो जाएं। गले के, थायराइड के जितने भी रोगी हैं वो चंगे हो जाएं। आपके ब्रेस्ट के रोग, आपकी रीढ़ की हड्डी के रोग, हर और नशे की आत्माएं आपको छोड़े और जाएं, हर नशे की आत्माएं छोड़े और जाएं। आपकी मैं फोटोज को, आपके पासपोर्ट को छूता हूं यीशु मसीह के नाम से, जिस कारण के लिए आप उस फोटोज को लेकर आए हो, वो कारण आज से यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से जाए। पहले बोला वो जाए, वो कारण जाए, आपको छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। इसी समय आपके आपके जो पीठ के दर्द है आपको छोड़े और जाए, आपको आपके कंधे के दर्द आपको छोड़े और जाए। चाहे आज कोई पहली बार क्यों नहीं आया, अगर वो मसीह पर विश्वास कर रहा है, मतलब अगर चाहे वो पहली बार क्यों नहीं आया, अगर विश्वास करे, अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पण कर रहा है, उसको अपना जीवन दे रहा है, तो खुदा का आत्मा उसे छू रहा है और वो आजाद हो रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो अच्छे हो रहे हैं। आपकी हड्डियों का रोग आपको छोड़े और जाए, आपकी हड्डियों का रोग आपको छोड़े और जाए, आपके हड्डियों के रोग आपको छोड़े और जाए, आपके जो हड्डियों के रोग है आपको छोड़े और जाए, आपकी हड्डियों के रोग आपको छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। जिनकी सांस फूलती है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की, वो हार्ट के रोगी यीशु मसीह के नाम से हर हार्ट की बीमारी को आदेश करता हूँ, आज्ञा करता हूँ, आपके जीवन से, आपकी बॉडी से निकले और जाए, 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 निकले और जाए। आपके घुटनों के दर्द आपको छोड़कर जाए, अपने मन को फिराओ, आज प्रभु के साथ फैसला लो जीने का। मैंने बोला आपके घुटनों के दर्द आपको छोड़े और जाए, आपको आपके घुटनों के रोग, आपका घुटनों का दर्द आपको छोड़े और जाए हमेशा के लिए। सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाए, गमे के रोगी चंगे हो जाए, बाबा सिर के रोगी चंगे हो जाए, आपके बाबा सिर के रोग आपको छोड़े और जाए, आपके बाबा सिर के रोग आपको छोड़े और जाए। ब्लड की जितनी भी बीमारियां हैं, मैं बोल रहा हूं ब्लड की जितनी भी बीमारियां हैं, जो ब्लड इन्फेक्शन है, जो खून की कमी के कारण है, ब्लड की जो प्रॉब्लम के कारण है, वो हर वो बीमारी आज को आपको छोड़कर जाए। ब्लड की तमाम जो लहू में जो ब्लड की बीमारी है आज से आपको छोड़े और जाए। आपकी एलर्जी आपको छोड़े और जाए, एलर्जी का आत्मा आपको छोड़े,
बंद पीठ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। अब जो मुंह के दर्द का रोग है आज परमेश्वर आप उसके भी आपको आजाद कर रहे हैं, आपको मुंह के दर्द से भी आजाद कर रहे हैं। री बस सक्रो लिया बाबा बाबा री संबोरा री हो संबरी सका बाबा बाबा धीरे री संबोरा सक्रो री संका बाबा लिहिर संबोरी संबोरा री हो सबा बाबा बाबा लखो या सका बाबा बाबा। मैं लेफ्ट साइड दे उत्ते किसी दे इस परवटे दे जो आईब्रो ने परवटे ने उदी साइड ते दर्द या काफी दिन तो लेफ्ट साइड ते और खुदा दा आत्मा अनुशूर है जो दी आई शैड एक साइड कभी साइड ते मैं दर्द देख रहे हैं और परमेश्वर आत्मा अनुशूर है और आजाद हो रहे हैं। मैंने बोला उस परमेश्वर आत्मा अनुशूर है और आजाद हो रहे हैं और जिन्हें दे आज कोनिया दे हड्डियां दे दर्द ने अपनी बाजू नु कमाओ जिन्हें दे कोनिया दे हड्डियां दे दर्द ने जिन्हें दे कोनिया दर्द कर रही ने अपनी बाजू कमाओ क्योंकि खुदा दा आत्मा तो अनुशूर है। मैं बोला जिन्हें दे कोनिया च जिन्हों आप एरक बोलते हैं पंजाबी दे विच कोनिया च जो दर्द है मैं बोलिया कि परमेश्वर आत्मा आपने शूर आया और आप आजाद हो रहे हो। आपके यूरिन की बीमारियां जो आपके पेशाब में जो रोग है आपको आज खुदा का आत्मा शूर है आप आजाद हो रहे हो चंगे हो रहे हो। जो आपके बाथरूम में पेशाब में पस आ रही है आज उससे भी आप आजाद हो। अभी आपको प्रेशर आएगा आप बाथरूम जाओगे और आप बिल्कुल आजाद हो जाओगे। लिबारा संगरो री संगा बाबा बाबा लिहो री सका बाबा बाबा। हाथ रखो जहां जहां पे भी अपने प्रॉब्लम है आंख वाले जहां जहां पे भी है जहां भी आपके प्रॉब्लम है हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करें। इसी समय यह अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है उस अधिकार से बोलो बीमारी को बोलो कमजोरी को बोलो निकल और जा तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो निकल और जा तेरा कोई अधिकार नहीं तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल और जा। रेपा संभा बारी शकर रे संभो बड़ी सकली औरो रे शंभा बाबा बाबा रे हो संभा बारी शिकरा रही रे बारी शकर बाबा बाबा। जो लोग शांत से खड़े हैं उनको खुदा हील कर रहा अच्छा कर रहे। अब बहुत सारे आज आंखों के रोगी चंगे हो रहे हैं थायराइड के गले का रोग आपको छोड़कर जा रहे हैं आज थायराइड का रोग गले का रोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। बंद दुष्ट आत्माएं आपके जिस्म के अंदर बैठी आत्माएं आपको छोड़कर जा रही हैं। लिपुर संभव बारी सको हर शैतानी आत्मा आपको छोड़े और जाए आपके जिस्म से हर डेविल निकले और जाए हर डेविल आपको छोड़े और जाए आज फ्री हो जाओ। हर अंधकार की आत्माएं आपको छोड़े और जाए हर अंधकार की आत्माएं छोड़े और जाए। दूध पीते बच्चे जो प्रॉब्लम में आज जो बीमारी में आज छूट जाए यीशु मसीह के नाम से वो छूट जाए। दूध पीते बच्चे छूट जाए। रिबस संद्रोलिया रही शाखा बाबा बारा रिहो संभा बाबा बाबा।
जिनके दर्द है घुटनों में, जिनके में टांगों में दर्द है, वो चले विश्वास से चले, चले चले विश्वास से चले, विश्वास से चले, दिल से चले, विश्वास से चले, कि खुदा आपको छू रहा है। जिसे चला नहीं जाता वो चले, जो नहीं होता वो करें, जो नहीं होता वो करें, जो नहीं होता वो करें, यीशु मसीह के नाम से जो नहीं हो रहा वो करें, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में और खुदा का आत्मा आपको छू रहे। बोले परमेश्वर आपके बीच में और आपको खुदा का आत्मा छू रहे, आपके हड्डियों के रोग आपको छोड़े और जाएं, आपके हड्डियों के रोग आपको छोड़े और जाएं। रिसा का बाबा, रिसा बाबा, रिसंबु बोली लीले शा बाबा, रिसा का बाबा, रिसा का बाबा, सब छूट जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, छूट जाएं, छूट जाए इसी समय। आपकी तमाम बीमारियां आज आपके छोड़कर आपके शरीर से निकल जाए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। चेक करो अपने आप को और विश्वास से देखो, खुदा का आत्मा आपको आपके जीवन में अपना कार्य कर चुके हैं काम। विश्वास से चेक करो, विश्वास से चेक करो अपने आप को, करो करो चेक करो, चेक करो अपने आप को, देखो 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 देखो, जो 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 भी परमेश्वर ने आप आज आपके लिए बोला है वो हो चुका है, हो चुका है। वो आगे आए जाएं, वो आगे आए जो जिनके जीवन में ये काम हुआ है, खास करके आज जितने भी आंखों के रोगी हैं उनको खुदा का आत्मा छू चुका है। अगर विश्वास से खड़े हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर चुके हैं। हाँ बोले बोले बोले, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं है, कई लोग शर्मांदे नहीं आंदे, शर्माना नहीं किसी चीज तो। हाँ ये बच्चे तोड़े विच नहीं, शर्माना नहीं किसी भी गल दे, जो प्रभु ने तोड़े नाल कीता, जब कुछ भी तोड़ा मन अज फिरया है, अज प्रभु दी महिमा दे लई तुसी आना है, तुसी प्रभु दे नाम नू उच्चा करना है, किसी इंसान दे नाम नू उच्चा नहीं करना, तो प्रभु दे नाम नू उच्चा करना है। इसलिए शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। हालेलुया। तो प्रेर जी ये दस रहे ने कि इन्हों लत कल का बहुत ज़्यादा दर सीगा, और ये दस रहे ने कि जो रब के दास सीलिंग कर रहे सी मैं रिसीव किया, और ये दस रहे ने कि परमेश्वर के आत्मा ने मैंने छूया, और यीशु के सामर्थी नाम के जो सारा ही दर्द परमेश्वर ने दूर दर दूर कर दिया, शब्द सामर्थी जिंदा नाम तारीफ करा कद। कुछ दिनों तो इन्हों के मन से कोई बोझ सी, काफ़ी परेशान से, और कहें कि मेरे मन च कोई शांति नहीं सी, और अज कहते जो प्रभु का वचन सुनिया और जो हीलिंग हुई और इन्होंने अपने मन को फिराया और अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दिता, और कहते मैंने एकदम प्रभु ने छूया और शांति आ गई आ, और इस गवाही यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हालेलुया। तो प्रेरित जी दस रहे ने कि इन्हों की अख विच मोतिया सीगा और बहुत ज़्यादा धुंधला दिसदा पिया सीगा, और ये दस रहे ने कि परमेश्वर के आत्मा ने मैंने छूया, और रब के दास ने जो हीलिंग हो रही थी तो बोलिया कि जिन्हों की अख में चिट्टा मोतिया आ यीशु के नाम के फ्री हो रहे हैं। तो ये दस रहे ने कि मैं रिसीव किया, और ये दसते पहले मैंने धुंधला दिसदा सीगा, अज कोई धुंधलापन नहीं दिख रहा, इन्होंने पूरा साफ दिखाई दे रहा, यीशु मसीह की सामर्थ्य जिंदा नाम। सुनो सुनो सुनो, इधर की प्रूफ होएगा, बोलो इधर की प्रूफ होएगा, केड़ी अख विच सी मोतिया सी,
दिखाओ। नजर अंदर अच्छा मतलब इन्नी दूरों नहीं नजर आंदा, इन्ना धुंधलापन आंदा सी। ए जिहड़े लड़के खड़े ने ये नजर आ रहे ने, इस साइड वाले लड़के ने केड़ी कलर की शर्ट पाई है, जिहड़ा इस साइड ते ने टाई लगाई है, इस साइड ते जिहड़ा लड़का खड़ा आ है बिस्कुटी जी, बोलो कि देखो यही कलर या बिस्कुटी कलर ही है, बोलो बोलो यही कलर है ना। तारीफ करांगे खुदा दे नाम, खुदा की निजात के काम देखो, खुदा की निजात के काम देखो, खुदा की निजात के काम देखो, हो गया सी। इन्हां दे लेफ्ट साइड दी वखी भी इन्हां दी भारी रहिंदी सी और कहिंदे कुछ भी खाने ते एवें कहिंदे मेरा पेट भारा ही रहिंदा सी। और अज इन्हां ने दस्सिया कि जदों हीलिंग हुई और इन्हां ने विश्वास कीता रिसीव कीता तो कहिंदे कि जो मेरा इन्ना पेट और वखी भारी सी एकदम हल्की हो गया। और इस वेली यहोवा परमेश्वर दा धन्नवाद करदे ने। करांगे जोर से तो प्रेर जी ये दसते पे ने कि जो सवेरे आए थे इन्हों की कमर विच और चूल्हे में बहुत ज़्यादा दर्द सीगा और ये दसते पे ने कि जो रब दे दास हीलिंग कर रहे थे मैं रिसीव किया कि परमेश्वर तेरा आत्मा छूए और मैनू हर एक प्रॉब्लम तो आज़ाद करे। और ये दस रहे ने जो इस तरह बोलिया तो परमेश्वर ने मैं आज़ाद कर दिता। ये दस रहे ने हूँ कोई दर्द नहीं आ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ, यीशु दे सामर्थ्य नाम दे विच पूरी तरह आज़ाद हो चुके ने। बच के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के ठीक ओके प्रभु बात कर दे आमीन। ठीक है तो सुनो मैं एक चीज तुम दसदा हाँ कि परमेश्वर आत्मा तुम सारे छू चुका है। बोलो खुदा आत्मा तुम सारे छू चुका है। बोलो परमेश्वर आत्मा मैनू अज इस साइड नहीं इस साइड बोल रहा कि मैं ले हैंड प्रार्थना करा और अपन सब अखा बंद करांगे असी एक वर्शिप सोंग गावांगे। सब अपने अखा बंद करांगे एक वर्शिप सोंग गावांगे असी। सब अपने अखा बंद रखो, सब अपने मन परमेश्वर को लेके जाओ। बंद सांसें चलने लग जाएं, बंद सांसें चलने लग जाएं, अंधी आंखें देखने लग जाएं, अंधी आंखें देखने लग जाएं, बंद सांसें चलने लग जाएं, बंद सांसें चलने लग जाएं, अंधी आंखें देखने लग जाएं। खुल जाता है।
करके जिन्हां नूं प्रॉब्लम है दर्द है पूरे रूह नाल चूम के नच के खुदा दी आराधना करो पूरे दिल से डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो पूरे रूह से चुपचाप खड़े रहो रूह से डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के सब सब पूरे रूप से बढ़कर गए डरो मत चुपचाप खड़े रहो
मत तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। दिल से डरो मत झूमते हुए नाचते हुए खुदा की नजात के काम देखो। ये शैतान को आप शर्मिंदा कर रहे हो, लज्जित कर रहे हो, खुदा की नजात के काम। ये लज्जित होता है शैतान आपके जीवन से। रूसे शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, ये खुदा का अनुग्रह है। खुदा के काम देखो, जलाली जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। डर मत तुम खड़े रहो, डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है।
खुदा की नजात के काम देखो। और ऐसा हो चुका है सबके लिए, बोलो ऐसा हो चुका है, बोलो क्या है, खास करके आंस अखा दे रोकी उबलस ने यीशु मसीह दे नाम च अपनी वड्डियां गवाइयां नाल असी वीरवार नू मिलांगे इस जगह ते फिर 10 बजे। थोड़े जीवन च वड्डियां गवाइयां खुदा खड़ियां कर चुका है, थोड़े सारे रुके हुए कम खुदा खोल चुका है और आप ब्लस हो यीशु मसीह दे नाम च।